तो भाई हमें तो मिल नहीं रहा था, अब ये भाई साहब हेल्प कर रहे हैं। ये चाइनीज में पढ़ के अपना ना सेलेक्ट कर देंगे बेल टावर कहाँ पर है। अब कौन सी थी मुझे तो फिर से याद नहीं है भाई, चाइना में हमारे साथ चूंचा चूंचा हो जा रहा है कुछ ना कुछ है। ओ भाई साहब देखना भीड़ सही में भाई, ये तो राजीव चौक लग रहा है दिल्ली का, इतनी ज्यादा भीड़ है खुद से ही भाई। बट ये नंग सो सांसी हुआ भाई, उस मॉल में ना जाने का मन तो कर रहा है बट भीड़ देखना, ओए होए 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 भाई, सुरसम ठुस भरे पड़े हैं लोग, बहुत ज्यादा भीड़ है। नाइन साल साल की बधाई हो, बधाई हो, यस दिस मींस हैप्पी न्यू ईयर। ठंड नहीं, नो ठंड, हम इंडियन हमें ठंड नहीं लगती है। हिज नेम इज सलमान खान, यू नो सलमान खान। भाई कल गाड़ी कहाँ खड़ी करी थी भूल गए, बेसमेंट 1, 2 या 3, 3 बेसमेंट है इन होटल वालों की, तो अभी गाड़ी देख रहे हैं और उसमें से कुछ सामान निकालना है, अभी गाड़ी में निकाल नहीं रहा हूँ। कहाँ है, उधर है, चलो मिल गई भाई, सही है। B1 पे ही पहली बार उतरे और पहली में ही मिल गया। तो भाई एक तो हमें ये स्टैंड लेना था, सैनिटाइजर ले लेते हैं, एक दो मास्क ले लेते हैं क्योंकि आज भाई न्यू ईयर है तो रात को बाहर ही सेलिब्रेट करेंगे और भीड़ बहुत होगी, तो इन्फेक्शन वगैरह ना हो, कोई कोविड वोविड काम है इसलिए मास्क पहन के ही फांडेंगे। और इसके अलावा मुझे टोपी लेनी है, ग्लव्स लेने, क्योंकि रात को ठंड हो जाएगी भाई। यार अभी जो हमारे गाइड है वो तो जा रहे हैं अपने घर, इनका घर है भाई चंदू सिटी में, हमारी भी नेक्स्ट सिटी वही होने वाली है, 3 दिन बाद हम जाएंगे। तो मैंने कहा इनको खुद ही कहा कि न्यू ईयर है अपनी फैमिली के साथ मनाओ, तो चले जाओ हम आपको आगे मिलेंगे। सो हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली ऑल्सो। थैंक यू। सो इट विल टेक अराउंड 4 आवर्स फ्रॉम हेयर टू चंदू। यस। तो ये भाई साहब जा रहे हैं बुलेट ट्रेन में सीधा अपने घर की तरफ, 4 घंटे में 800 किलोमीटर। हम भी बुलेट ट्रेन ट्राई करेंगे, तो आज इनसे मिल लो आप अब। सो वी विल सी यू इन 2024 आफ्टर 1 ईयर। आई एम वेटिंग यू इन चंदू। एक साल बाद मिलेंगे भाई, अब हम सीधा देख रहे हो, मतलब आज 2023 है, कल 2024 हो जाएगा। एंड भाई शियान सिटी कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, ये है कैपिटल सिटी ऑफ विच प्रोविंस, शैनशे प्रोविंस की कैपिटल सिटी है शियान, ये काफी बड़ी सिटी है भाई। तो न्यू ईयर आज अच्छे से यहीं पे मनाएंगे, इन्होंने एक दो लोकेशन बताई है वहाँ वहाँ जाएंगे। तो आज सबसे पहले हम जा रहे हैं यहाँ के डाउनटाउन में और उसके लिए यूज़ करेंगे पहले बस का देन मेट्रो का, तो उनकी टिकट्स कितनी है आ जाओ दिखाते हैं। तो देखो गूगल मैप तो यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ की ना एप्लीकेशन है ए मैप करके, तो देखो यहाँ से हमने लोकेशन डाल दी है डाउनटाउन की। व्हाट्स द नेम ऑफ बेल टावर, नॉर्मल बेल टावर, चाइनीज नेम या चोंगलो, चोंगलो Yeah. तो चोंगलो लिखा हुआ भाई, जो यहाँ का बेल टावर है ना सिटी सेंटर में। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस तो छोड़ो, बट हम रूट ले रहे हैं, विच वन, दिस बस रूट, फर्स्ट विल गो बाय बस एंड देन बाय, यस। तो ये देखो भाई, ओ हाँ, तो हमें अभी ना 833 नंबर बस लेनी है जो हमें मेट्रो स्टेशन तक छोड़ेगी। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस मेट्रो स्टेशन, नेम नेम चाइनीज नेम ऑफ मेट्रो स्टेशन, गंग चाचा नाम है भाई। और वहां से मेट्रो लेके हम सीधे उतरेंगे फिर डाउनटाउन में। या ओके लेट्स गो। मेन तो ये देखना भाई टिकट कितने की है यहाँ पे और कैसे ली जाए, क्योंकि हमने अली पे अपना चालू करवा लिया, जैसे इंडिया में अपने UPI और पेटीएम होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे अली पे चलता है। तो मेरे पासपोर्ट के थ्रू पूरा सेटअप हो चुका है, उसी से अपनी टिकट विकेट जो भी है सीन देखेंगे। फर्स्ट वी हैव टू वॉक राइट, चलो भाई वॉक करना है। हाँ हाँ या अराउंड 266 266 meters, ज्यादा वॉक नहीं है, बस स्टॉप आ जाएगा सीधा और वहां से फिर निकल लेंगे भाई। इलेक्ट्रिक साइकिल इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत चलते हैं यहाँ, बहुत ज्यादा चाइना में, मतलब सबके सब इलेक्ट्रिक के पीछे ही पड़े हुए हैं यहाँ पे देख रहे हो, और इस तरह से मॉडिफाई कर रखा होता है इन्होंने पूरा, ऐसे ना छाता वाता लगा के ताकि सर्दी ना लगे चलाते वक्त, और ये कंबल सा भी लगा रखा होता है, इसमें हाथ घुसा लेते हैं और फिर रेस देते हैं भाई, मजेदार चीज है। इंडिया में भी जो ठंडे एरिया ना कुछ ऐसा ही सिस्टम हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। और नया दिन एक और नई जर्नी, आज 31 दिसंबर 2023, मैं हूँ चाइना के खूबसूरत शहर शियान में और आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हो भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 से भी ज्यादा देश कवर करेंगे और 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत ही एपिक वाली रोड ट्रिप है, जैसे आपने लंदन ट्रिप को सपोर्ट किया वैसे ही इसको भी कर देना, ऐसे लाइक शेयर कमेंट और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी। कैसा लग रहा है चाइना, अब प्रॉपर चाइना दिख रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बढ़िया, मतलब देख रहे हो शहर पूरा प्रॉपर, ऊंची ऊंची इमारतें,
गाड़ियाँ, ये देखो भाई हेलमेट वेलमेट तो यहाँ पहनते नहीं है, मैंने बहुत कम ही देखा लोगों को पहनते हुए। मेरे ख्याल इलेक्ट्रिक साइकिल में कंपलसरी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक साइकिल कह रहा हूँ स्कूटर में सॉरी, बट उन्होंने देखो हेलमेट लगा तो रखा है पीछे वो रहा वाइट कलर का, बट पहन नहीं रखा। इंडिया वाले सीन है कह रहा इंडिया वाला ही सिस्टम है सेम भाई, बट अच्छा है फर्स्ट इंप्रेशन, काफ़ी बड़ी सिटी है, मज़ा आ रहा है। कल एक्सप्लोर भी करेंगे इसको और भी। यहाँ की ना टेराकोटा आर्मी बहुत फेमस है भाई, क्या है जिनको पता होगा बाकी नहीं पता तो अगला व्लॉग देख लेना। लो भाई लो बस स्टॉप आ गया है, दिस इज द बस स्टॉप और नो अगला वाला है शायद इसके, या आई गेस हमें शायद उस वाले बस स्टॉप पे जाना है क्योंकि बस यहाँ जाएगी इधर नहीं सॉरी हाँ इधर ही जाएगी तो वहाँ से लेनी पड़ेगी बस। ये देखो जैसे यहाँ पे बस रुकी और ये लोग बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं, काफ़ी भीड़ दिखेगी आज हमें भाई, न्यू ईयर है ना क्योंकि तो मस्त लोग सेलिब्रेट करने के लिए जाएंगे। देखो ये सारी बस की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, हमें लेनी है भाई ये वाली 833 नंबर, सो आई गेस पता नहीं इस साइड पे रुकेगी या उस साइड पे। देखो अभी तो हमारे साथ गाइड है तो एक दो घंटे तो दिक्कत नहीं होगी, जब गाइड चले जाएंगे ना भाई उसके बाद चाइनीज़ में चीज़ें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, कौन सी बस लेनी है लिखा क्या है, क्योंकि आप देखोगे भाई यहाँ पे सब कुछ ही चाइनीज़ में लिखा हुआ है, कुछ भी इंग्लिश में है ही नहीं, एक भी अल्फ़ाबेट, बस नंबर लिखे हुए अपने नॉर्मल वाले, इसके अलावा कुछ नहीं समझ आ रहा भाई मुझे तो यही मदद करवा रहे हैं। या फॉर पास दिस स्टेशन नेक्स्ट स्टेशन for pass we you need to get off at this station. Okay so check तो ये देखो भाई इसमें जो ये है ना बस स्टॉप यहाँ उतरना है तो हमें यहाँ चेक करना है। Seminar, right? Yes. That's so how many stations? This red one is where is okay. So next one is this? Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Five, so yeah. This one we have to get off. देखो भाई एग्जैक्ट आपको यस यस दिस वन यस ओके सो 1, 2, 3, 4 एंड फिफ्थ वन यस ओके तो इस तरह से हमें समझना पड़ेगा, वरना तो गूगल ट्रांसलेट करके भी हम देख सकते हैं पर उसमें भी कुछ खास समझ आएगा नहीं, सिंपल है मैप में जो लिखा हुआ आ रहा है ना वर्ड्स उसी हिसाब से आप देख लो कि कितने स्टेशन है। जैसे अभी इसके हिसाब से हम रेड वाले पे है यहाँ पे तो उसके बाद हमें 5 स्टेशन पे उतरना है, तो जैसे ही बस काउंट करते चलो एक स्टेशन आया 2 स्टेशन आया 3 स्टेशन आया 4 स्टेशन आया और 5वां आए तो उसमें तुक्के से उतर जाओ, अगर नहीं हुआ तो फिर अगली चढ़ जाओ, थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है बट करेंगे। व्हाट नो स्टाफ दिस मींस नो सेलिंग नो सेलर या नो टिक सेलर ओ ओके फ्री दिस इज फ्री नो no sailor no sailor ticket sailor no so how how we can get off on this you can pay Alipay or WeChat or cash 2 yen okay 2 yen only see so that box we have to put 2 yen oh 2 yen to bahut sahi hai bhai 24 rupaye ki ticket ho gayi kafi sasti hai and how many stations all stations 2 yen that's like if oh all stations yeah bahut sahi hai bhai 24 rupaye ki ticket hai pure बस का जो भी रूट है कहीं भी चढ़ो कहीं भी उतरो एक बार सो एंड इट्स वैलिड फॉर ओनली वन टाइम यस ओके एक ही बार के लिए वैलिड है भाई सही है। तो देखो भाई ये टिकट चक्कर अगर नहीं है ये अली पे का साइन है ये वी चैट का साइन है हमारे पास अली पे है तो वी कैन ऑल्सो पे बाय दिस राइट एंड हम कैश भी दे सकते हैं तो चलो ये सो यू आर नॉट गोइंग बाय बस यू आर डायरेक्टली गोइंग टू द मेट्रो स्टेशन यस तो ये तो मेट्रो स्टेशन से सीधा अपने रेलवे स्टेशन चले जाएंगे, हमें अकेले बस में चढ़ना है क्यों भाई सोहन फिर कर लोगे चींचा चींचा है कर लेंगे क्या है चलो जी ठीक है देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। लो भाई बस आ गई है 833 ओके बाय बाय यस यस फिफ्थ वन या बाय थैंक यू चलो जी तो यहाँ पे हमें डालना है आओ बाय तो भाई दो दो के दो चार दो ना ये तो दो है ना हम दो लोग हैं हाँ चार दे दो तो भाई ये देख लो 2 yen मेरे 2 yen इसके ये डब्बा है इसमें डालना है वी हैव टू टेक दिस ऑल्सो भाई यहाँ पे ये टिकट भी मिल रही है 2 टिकट हमने यहीं से ले लेनी है सीधा कोई कंडक्टर नहीं कोई कुछ नहीं डायरेक्टली उठाओ और अपना सीट पे बैठ जाओ बस तो भाई भरी पड़ी है जगह नहीं है खड़े ही होके जाना पड़ेगा 5 स्टॉप है टोटल यहाँ से टिकट देख लो भाई चाइना की बस की कुछ इस तरह से दिखती है एंड ये यहाँ की बस है सीट मिल गई है हमें 2 मस्त भाई आगे की तो वही है हैंडीकैप लोगों के लिए और औरतों के लिए बच्चों के लिए पीछे वाली सीटों पे कोई भी बैठ सकता है कोई दिक्कत नहीं है तो ये 1st स्टॉप आ चुका है याद रखना भाई 5वें पे उतरना है हमें ठीक है ना तो 1st स्टॉप 5वें पे था या 5 के बाद 5वें पे था उसका पक्का हाँ 5वें पे उतरना है
भाई स्टेशन तो अभी तक दो ही आए हैं। चलो 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 उतरो 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 जल्दी उतरो। अरे उन्हें उतरने दो भाई, गूगल मैप के अकॉर्डिंग तो यही दिखा रहा है उतरने के लिए, और स्टेशन दो ही आए हैं। ये क्या लफड़ा है भाई, गलत हो गया तो पोपट अपना है। चेक करूं मेट्रो स्टेशन भाई, इसमें तो पैदल दिखा रहा है, थोड़ा सा चलना है और आ जाएगा मेट्रो स्टेशन। आओ तो भाई वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, अब हमें गूगल में ये मतलब मैप ही देखते जाना है कि कहाँ पहुंच गए। देखो अब हम यहाँ उतर चुके हैं, बस यहाँ से पैदल जाना है और इस वाले मेट्रो स्टेशन पे हमें चढ़ जाना है। अच्छा हुआ भाई मैंने देख लिया मैप, वरना तो ये बस हमें कहाँ ले जाती पता नहीं। अजीब बात है, होना तो नहीं चाहिए ऐसे यार, अगर उसमें लिखा है चार या पांच स्टेशन तो चार पांच ही होने चाहिए थे। इस तरह की साइकिलें भी आप ना ये स्कैन कर सकते हो भाई डायरेक्टली और रेंट पे ले सकते हो। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि एक ही फ़ोन है हमारे पास, एक ही अली पे है, तो एक ही साइकिल ले सकते हैं और इसमें हम दोनों बैठ नहीं पाएंगे, तो थोड़ी सी ये परेशानी वाली बात है भाई। भाई चलते चलते पहुंच तो गए हैं, मेट्रो स्टेशन जस्ट हमारे सामने कहीं पे दिखा रहा है बट हमें मिल नहीं रहा है। पता नहीं किसी से पूछते हैं, एक्सक्यूज मी मेट्रो 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 स्टेशन वेयर आर यू, वी वांट टू गो टू डाउनटाउन, दैट वन ओके, उधर है भाई रोड के तरफ तो वहां चलना पड़ेगा जाके। मैप में तो इधर की तरफ दिखा रहा है और है उधर की तरफ, तो थोड़ा सा तो लफड़ा इसमें भी है, पूछ पाछ के ही करना पड़ेगा, हम ही कहीं भी घुस जाएंगे तो दिक्कत होगी। ये देखो भाई ये है मेट्रो स्टेशन, अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, नीचे आ जाओ। यहाँ तो भाई इंग्लिश में लिखा हुआ है गांजी जिहाई जान एंट्रेंस है उसकी, बट इनके मैप में नहीं लिखा हुआ कहीं भी। यहाँ पे टिकट देखते हैं भाई, वेंडिंग मशीन लगी हुएगी या काउंटर पे जाके लेनी पड़ेगी, बट मेरे हिसाब से भाई ये चाइना है, यहाँ पे काउंटर माउंटर नहीं होगा क्योंकि ये मैन पावर में बिलीव ही नहीं करते, सब कुछ इन्होंने ऑटोमेट कर रखा है, तो इसलिए हो सकता है यहाँ पे भी डायरेक्टली अपना दिखाओ मतलब वो वेंडिंग मशीन में स्टेशन डालो और निकाल लो शायद से। बाकी लेट्स सी, मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ भाई, क्योंकि अभी तक जितने शहरों में थे वहाँ पे कहीं पे मेट्रो थी नहीं, अब बड़े बड़े शहर आने शुरू हुए। तो ये देखो भाई अंडरग्राउंड पूरा का पूरा स्टेशन बना हुआ है ये। आई होप भाई यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना अलाउड हो, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में कहीं कहीं जगह पे अलाउड नहीं है, इन्होंने भी अगर बोर्ड लगा रखे होंगे रिकॉर्डिंग नहीं करने के तो फिर नहीं करेंगे भाई और क्या। ये देखो भाई ये लगी हुई है मशीनें यहाँ पर, और इसी से जो है वो अब निकलेगी अपनी टिकट। आ जाओ यहाँ देखो भाई सारे ना स्टेप भी लिखे हुए हैं कि अगर आपको परचेज करनी है या टॉप अप करनी है, तो हमें तो परचेज करनी है पहले, तो इस तरह से स्टेशन सेलेक्ट करो, नंबर ऑफ टिकट करो, फिर पे कर दो QR कोड या कैश से और टिकट लेके चले जाओ। अब पहले इसमें इंग्लिश का ये देखो ऑप्शन है, चलो शुक्र है भाई इंग्लिश करते ही सारा इंग्लिश हो गया है। अब रूट ये इतने सारे तो बने हुए हैं, बट हमें जाना है भाई बेल टावर, तो बेल टावर मेरे ख्याल से देखोगे ना अगर आप तो शायद से ये ब्लू लाइन पे है, ये देखो दिख रहा है ना आपको ब्लू लाइन है, तो ब्लू लाइन है भाई ये वाली। यार बेल टावर तो इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ, सारी लाइन चेक कर ली है, तो ये मेट्रो ही देखो शियान मेट्रो लिखा है, पर बेल टावर क्यों नहीं लिखा हुआ, चाइनीज में देखूँ ट्राई करूँ अगर क्या पता समझ आ जाए। कैन यू हेल्प विच स्टेशन वी वॉन्ट टू गो टू दिस, तो भाई हमें तो मिल नहीं रहा था, अब ये भाई साहब हेल्प कर रहे हैं, ये चाइनीज में पढ़ के अपना ना सेलेक्ट कर देंगे बेल टावर कहाँ पर है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो की तरह भाई बहुत बड़ी मेट्रो है यहाँ की भी। पर टू टिकट्स टू, यस दो टिकट लेनी है, ओ सीधा इन्होंने तो ड्रो करा, ये क्या है, पर पहले सेलेक्ट करो ना जाना कहाँ पे भाई साहब, इतना तो हमको भी मालूम है कितने की। देखो अगर इसमें से कार्ड बन जाए ना भाई, तो कार्ड भी बनवा सकते हैं हम रिचार्ज वाला, और अपना जहाँ भी उतरना है सीधा टैप करो और उतर जाओ, है ना मेरे ख्याल से टिकट लेने की जरूरत नहीं। क्या कर रहे हैं भाई ये, इनको खुद ही नहीं समझ आ रहा मुझे लग रहा है, ये खुद बेचारे कन्फ्यूज है थोड़े से। ओ मिल गया, शायद से मिल गया भाई। दिस इज टू टिकट्स राइट, ओके थैंक यू। चलो भाई ये मिल गया है अपने को, पे कर देते हैं फटाफट से भाई, टाइम आउट ना हो जाए उससे पहले। 5 और 1 6 3 युआन की एक टिकट है, तो टोटल 6 देने हैं हमें। इट्स नॉट गोइंग, क्या हो रहा है, टू ही है ना, 6 ही तो है। ओ हेयर यहाँ डालना है भाई नोट, जाइन रहा भाई पता नहीं क्या दिक्कत है, सेलेक्ट ही नहीं था बताओ, अब गया ना, थैंक यू सिसे 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 बोलते भाई थैंक यू को। अब क्या करना है, वो चला नहीं गया ना अभी, अच्छा दूसरा नोट दे दे, इसमें क्यों डाल रहे हो, वो वापस
ले ही ना रहा, 5 का ही डाल देता हूँ। हो गया हो गया हो गया हो गया, आ गई भाई टिकट आ गई। ये देखो भाई दो कार्ड आ गए, गत्ते के कार्ड है। पैसे तो दो वापिस। हाँ चिल्लर निकल गए भाई, ये देखो बाकी के पर्ची भी निकली है कहीं से। चलो फाइनली टिकट तो मिली। वैसे अब मुझे ये नहीं पता ये सही में बेल टावर की टिकट ली है उन्होंने या कौन सी ली है, क्योंकि कुछ चाइनीज में ही टक टक करा उन्होंने। बट ठीक है भाई अब मिल तो गई ना। हाँ जो आगे सिक्योरिटी चेक है भाई, बंद करते हैं फिर मिलते हैं। ये देखो भाई इस तरह की मशीन है एंट्रेंस के लिए। अच्छा इसमें ना भाई अपना आप फ़ोन से दिखा दो जैसे भी दिखा दो, बट ये कार्ड मैं यहाँ दिखाऊंगा। ये खुल गया है टिकट प्राइस 3 वाला, और इस तरह से ही सोहन दिखा देगा खुल गया है। वही नॉर्मल दिल्ली मेट्रो की तरह ही है, कुछ यूनिक नहीं है ऐसा अलग। यहाँ वीडियो बना सकते हो ये बात है बस। हाँ अब कौन सी मेट्रो लेनी है भाई वो कैसे पता चलेगा। यहाँ पे मैप तो है भाई बहुत बड़ा सा, और बेल टावर ये मेरे को लग रहा है ये तो नहीं है बोलिन लू बेल टावर, यही होगा मेरे ख्याल है ना, यही दिखाया था शायद से। फिर भी देखते हैं भाई क्या बनता है बात। तो हमारे मैप में ही लिखा हुआ है देखो ए वाली लेनी है, और ए है इधर ये भाई। चलो इतना तो लिखा है इन चीज़ों में भाई कि हमें समझ आ रहा है कि कहाँ जाना है, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाए ना ऐसे तो समझ ही ना आए। इंग्लिश में नहीं लिखा, इंग्लिश में लिखा है पर वो इनके टाउन लिखे। अरे फिर से दिखानी है पर्ची तो। प्लीज़ इंसर्ट टिकट, इंसर्ट करनी है भाई यहाँ पे। अब इस बात इस तरह से खुल गया भाई। ओ समझ गया, तो यहाँ पे आपने एंटर कर दी, अब टिकट नहीं मिलेगी आपको। अब किसी भी मेट्रो में चढ़ जाओ जिसमें आप जा रहे हो, और उतरते वक्त कुछ नहीं दिखाना, मतलब एंट्री पे ही दिखा रहे हो सिर्फ। ये तो एग्जिट है भाई, और अबे हम एग्जिट हो गए, एग्जिट हो गए भाई हम। ओ भाई है ना, अबे यहीं से तो आए थे हमने, यहाँ टिकट ली, और अबे यार पोपट हो गए तो अब वापस करनी पड़ेगी। शिट मैन ये तो गलत ही सीन हो गया, जाना था प्लेटफॉर्म पे बाहर ही निकल गए वापस घूम फिर के, अब वापस खरीदनी पड़ेगी। ओए होए फालतू के 72 रुपीज वेस्ट हो गए यार। शिट अब कौन सी थी मुझे तो फिर से याद नहीं है भाई, चाइना में हमारे साथ चुनचा चुनचा हो जा रहा कुछ ना कुछ है। बताओ यार क्या किस्मत है भाई फूटी हुई। इंग्लिश करना, पर्पल लाइन करी थी ना उसने, ये वाली, ये वाला चूज किया था जो पक्का यही है जांगशुलू। मुझे गलत लग रहा है, किसी से पूछते हैं वो वहाँ पे सर्विस सेंटर है बोरा, उनसे पूछते हैं भाई हमें जहाँ जाना है। ये तो पता नहीं भाई साहब, मुझे लग रहा है कोई गलत ही टिकट पकड़ा गए थे हमें। तो भाई यहाँ से भी आप टिकट खरीद सकते हो, मशीन में मत्था पच्ची करने की जरूरत ही नहीं। हाउ मच, 6, यहाँ 6 बोलते हैं ऐसे भाई। वो दे दो 10 का दे दो, है 10 का है फालतू के। बताओ भाई 72 रुपीज इंडिया के वेस्ट करे, यहीं से ले लेना चाहिए था पहले। हमारे भी कीड़ा उछलता है ना भाई कि मशीन चालू करनी है, मशीन चालू है। अच्छा वाला अभी नहीं से गेट भी पूछ लेंगे, कैसे बेवकूफ है भाई, हम एंट्री करके घूम के वापस एग्जिट कर गए। बताओ हद धोती है क्या यार सोन, क्या गुंडा बनेगा रे तू है। बताओ एग्जिट कर दी, ये फायदा हुआ तुम्हारे राजस्थान से आने का है। अब इनसे पूछ लूँ भाई विच गेट डाउन साइड है तो डाउन, हमें भी पता पर कैसे जाना है, कहाँ कौन से वाले से जाना है। बड़ा दुख हो रहा है भाई सही में, वेस्ट कर दिए शिष्य, थैंक यू। चलो आओ भाई, सिक्योरिटी वाले भी कहेंगे अरे अभी तो गए थे, इनके जुड़वा कहाँ से आ गए एकदम से वापस बाहर। लो भाई आ गया है। ये देखो भाई हम चले गए वहाँ से गलती से, ये वाले एग्जिट से जाना था हमको नीचे स्टेशन पे। यहाँ लिखा नहीं है, वहाँ पे ए लिखा हुआ है पर एग्जिट लिखा था, हमने पढ़ा नहीं भाई। वैसे तो देखो लिफ्ट भी बनी हुई है, लिफ्ट से भी आप जा सकते हो, बट यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट भाई नीचे आ जाओ। होपफुली सही मेट्रो में चढ़े भाई हम, वरना फिर से पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता मैं ऐसे। कोई सिस्टम है, लेफ्ट से एक मेट्रो इधर जा रही है, राइट से एक मेट्रो इधर जा रही है। अब हमें किधर जाना है लेट्स सी, हमें नहीं पता भाई। देखो जिस स्टेशन में हमें जाना है ना वो इस तरह से लगता है चाइनीज़ में, और यहाँ पर हमें मिल गया है ये रहा ए, ये जिसका इंग्लिश नेम है जोंग लू। मतलब हमें ये नाम तो वैसे ट्रांसलेट करने पे बेल टावर आ रहा है, बट यहाँ चाइनीज़ में इसे बोलते हैं जोंग लू। तो हमें जोंग लू स्टेशन पे जाना है भाई। तो ये तो जा रही है ट्रेन इधर, और हम हैं अभी इधर गंजी जियाई में, यानी कि इधर वाली नहीं लेनी हमें, इधर वाली मेट्रो लेनी है। तो उस साइड वाली मेट्रो है वो, समझ गए। मैं तो समझ गया हूँ भाई, आप समझे नहीं समझे पता नहीं, बड़ा कन्फ्यूजिंग है लेकिन। तो ये मेट्रो जा रही है इधर की तरफ, हम हैं अभी गंजी जियाई में, और जाना है हमको जोंगलू ये। तो यानी कि यही पकड़नी है भाई, लेट्स गो। तो इसका मतलब है भाई कार्ड संभाल के रखना है, एग्जिट के टाइम पे ही डालना है। हमने तो यही गलती से डाल दिया था, मुझे लगा ये क्या टेक्नोलॉजी है भाई यहीं पे कार्ड ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है वहीं पे ही लेंगे। यहाँ भी देखो प्रॉपर मार्किंग कर रखी है, ये अंदर जाने वालों के लिए, वो भी अंदर जाने वालों के लिए, और ये बाहर आने वालों के लिए। तो प्रॉपर लोग भाई फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, आप देखोगे ना कोई भी ऐसे उधर इधर उधर नहीं खड़ा, अरे आ गई मेट्रो आ गई चलो भाई। जगह ही नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ तो।
करें यार, मास्क भी नहीं है, मास्क मिला ही नहीं गाड़ी में हमें, अगली का वेट करते हैं। मतलब ये रूट जो है ना डाउनटाउन जाने वाला काफी ज्यादा फेमस और भीड़ भड़कके वाला है, इसलिए देखते हैं अगली का वेट करते हैं। थोड़ा भाई पीछे वाले डब्बों में चलते हैं, कभी कभी आगे वालों में ही ज्यादा भीड़ होती है और पीछे के खाली पड़े होते हैं, तो लेट्स सी। देखा पीछे देखो खाली पड़ी है, आगे देखो क्या ठूसी ठूसी थी। तो भाई ये देख लो मैप है, इस टाइम पे येलो वाली जो डॉट चल रही है यहाँ पर हम है, और कहाँ जाना है हमें आपको मैंने दिखाया था वो कहाँ गया वहाँ पे, ये रहा ये रहा, इस वाले स्टेशन पे हमें उतरना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेशन है भाई। भाई यहाँ तो अंडरग्राउंड मेट्रो में भी ना पूरे नेटवर्क आ रहे हैं और 5G भी आ रहा है, देख रहे हो मस्त एकदम। लग रहा है इन्होंने अंडरग्राउंड भी ना ऐसे पूरे टावर वावर बिछा रखे हैं ताकि कहीं पे भी नेटवर्क की कोई भी दिक्कत ही ना हो, मस्त एकदम सीन। यहाँ पे भाई देखो ये भी दिखाता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, अभी जैसे ऊपर तो लिखा है करंट स्टेशन का नाम, फिर पता नहीं क्या टर्मिनस, और बीच में देखो ये, तो अभी हम 4 नंबर प्लेटफॉर्म से चढ़े थे ना, तो 4th डब्बा होगा ये। तो इस तरह से कहाँ पे लिफ्ट है, कहाँ पे स्टेयर्स है, कौन से गेट पे, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भाई लिखी हुई है मस्त एकदम। तो काफ़ी एडवांस है भाई टेक्नोलॉजिकली अगर बात करें ना। तो भाई अपना अगला स्टेशन है, और हर स्टेशन के बीच में ना 2-2 मिनट का गैप है, तो ऑलमोस्ट आप लगा लो हमें 12 मिनट लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, और 10 मिनट बस में, और होटल वोटल का सब मिला के 35 मिनट में हम होटल से डाउनटाउन पहुंच गए हैं। होटल तो हमारे हॉलीडे इन, वो भी मैं आपको टूर दूंगा एक बार जाके, और कितने का था वो भी बताऊंगा पूरा, ठीक है। सभी स्टेशन पे तो बहुत भीड़ लग रही है मुझे, चलो आ जाओ। मेरे को लगा लोग मानते होंगे कि साइडों से ही चढ़ना है और उतरना है यहाँ, तो भैया ऐसी है कुछ भी, कहीं से भी उतर रहे हैं चढ़ रहे हैं। ओ भाई साहब देखना भीड़ सही में भाई, ये तो राजीव चौक लग रहा है दिल्ली का, इतनी ज्यादा भीड़ है। ये देखो भाई ओए होए होए ठूसम ठूस भरा पड़ा है। खैर राजीव चौक इससे ज्यादा भरा होता है पीक टाइम पे, पर यहाँ भी भाई कम भीड़ नहीं है। अब हमें एग्जिट कौन से गेट से लेना है वो सॉरी वो मैं देख लेता हूँ। अरे ये क्या बनी हुई है आंटी जी, मेरे ख्याल से डी गेट 8 लिखा है, 8 कौन सा गेट है भाई। तो भाई अभी वो सर्विस सेंटर था उनसे पूछा, उन्होंने बताया ई वाला एग्जिट, ई फॉर एलिफेंट वाला, तो वहां से एग्जिट लेना हमें। आ जाओ भाई, ये पूरा मैप बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है फाइनली इंग्लिश में बेल टावर, उसके लिए हमें जाना है भाई 7 नंबर एग्जिट से। जैसे ये 6 नंबर है, इसी तरह से आगे जाके 7 नंबर है। आज तो यहाँ पे ही काफी सारी भाई घूमने की जगह है, जैसे बेल टावर है, और यहाँ की ना एक खाने की स्ट्रीट बहुत फेमस है, मुस्लिम स्ट्रीट कहते हैं उसे, तो वो भी हम रात को आपको दिखाएंगे। और सारे लोग भाई कैमरे पे हेलो हेलो कर रहे हैं सामने से, मस्त सीन चल रहा है। एंड एक चीज और भाई, न्यू ईयर की वजह से ना काफी लोग अपनी ये देखो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के घूम रहे हैं इधर उधर, अभी मैं आपको और भी दिखाऊंगा काफी सारी। तो ये हमारे गाइड ने बताया था कि लोग ना इस तरह से यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, अपने रंग बिरंगे अलग अलग ट्रेडिशनल कपड़े पहन पहन के। अभी देखो ये 2 लड़कियां आ रही है सामने, ये देखो भाई, तो इस तरह से पूरा मेकअप वेकअप करके सज धज के आते हैं, ये ऐसा सीन है भाई। काफी लोग है, मतलब मेट्रो में भी काफी लोग दिखे, यहाँ पे भी काफी लोग है, भरे पड़े हैं भाई। एंड ये आ गई है भाई एग्जिट नंबर 7, यहाँ से हमें बाहर जाना है। यार कुछ लोगों ने मास्क पहन रखा है पता है, कुछ लोगों ने नहीं पहन रखा, बट हमें अपनी सेफ्टी के लिए भाई पहन लेना चाहिए। अभी देखते हैं मार्केट में मिल जाएगा मास्क तो ले लेंगे। मैं इंडिया से लाया था 20-30, अब मिल नहीं रहे, गाड़ी में रखे हुए थे, तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। लेट्स सी अभी यहीं खरीद लेंगे, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसी। ये भाई हम एग्जिट ले रहे हैं यहाँ से, ऊपर देख रहे हो ग्लास या फिर वो शीट लगी हुई है मोटी वाली, एंड यहाँ पे आपको भीड़ भड़का दिखेगा भाई प्रॉपर, क्योंकि अभी तक तो हम थोड़ा सा सिटी के ना जो सेंटर था उससे दूर थे होटल में, पर ये भाई प्रॉपर सिटी सेंटर है। ओहो भीड़म भीड़ हो रही है भाई, लेट्स गो। देख रहे हो कितनी भीड़ है भाई चाइना का, अब दिखाया हमें प्रॉपर नज़ारे, सारे चाइनीज लोग हैं आसपास, और बड़े बड़े शोरूम भी है, MI का है, ओनर का है, काफ़ी है। यार मुझे ना MI का स्कूटर लेना है इलेक्ट्रिक वाला, मैं ईरान में लेने लगा था, मन तो मेरा बहुत था, बट फिर वहाँ से मैंने सोचा ले जाएंगे कैसे, तो मैं अभी सोच रहा हूँ भाई कि ना स्कूटर लेके अपना गाड़ी में रख लेते हैं, और आने वाली जितनी कंट्रीज है उनमें स्कूटर चलाया करूँगा इलेक्ट्रिक, क्या कहते हो। तो अभी तो घूमेंगे, जब थोड़ी रात हो जाएगी ना तब शोरूम में चलेंगे, ताकि आपको दिन दिन में बाहर दिखा दूं मैं। खाने की खुशबू आ रही है बहुत ज़्यादा। मेट्रो स्टेशन से उतरते भाई ये रहा सामने यहाँ का फेमस बेल टावर, देख रहे हो कैसे बिल्कुल एंशियंट बिल्डिंग। अरे बस वाले भैया जल्दी जाओ यार आगे, फटाफट 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 जल्दी, ये देखो भाई
तो ये है बेल टावर, मस्त लग रहा है ना। और फोटो लोग वैसे तो वहां भी हम जा सकते हैं, देखो लोग खड़े हुए ऊपर, बट बेस्ट स्पॉट फोटो खींचने के लिए यही जगह है भाई, यहाँ पे खड़े हो जाओ और बैकग्राउंड में आपके ये आ जाता है, या उस तरफ कहीं चले जाओ या फिर उस तरफ कहीं चले जाओ, तो ये पूरा एरिया ऐसे ही है, आप जहां मर्जी खड़े हो जाओ बैकग्राउंड में ये आएगा और मस्त दिखेगा। देखो सारे ये फोटोग्राफर वगैरह अपना टिकटॉक, हेलो नी हाओ तो भाई साहब मस्त है लोग यहाँ पे, मैंने कहा था ना फ्रेंडली है, देखो भाई खुद से ही भाई ये इंग्लिश नो चाइनीज ओके, पता नहीं शायद या तो कुछ बेच रहे हैं पकड़ना क्या। हेलो वी आर फ्रॉम इंडिया, हिंदुस्तान, हिंदू, हिंदू, यस यस ओके ओके, माय इंग्लिश इज नॉट गुड सो एंड माय चाइनीज इज नॉट गुड, वी आर सेफ या ओके। तुम्हें छान दे कि लंग को लंग व्हाट ठंड नहीं, नो ठंड, हम इंडियन हमें ठंड नहीं लगती है भाई, मेरे को लग रहा है थोड़ी देर और खड़े हुए ना यहाँ पे भीड़ भड़का हो जाएगा हमें देख के कि हम दूसरे ग्रह के कोई एलियन आए हैं यहाँ पे, बट अच्छा है यार लोगों का नेचर अच्छा है हमारे टूवर्ड्स काफी, मतलब कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होती। निहाओ 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 चलो ओके बाय बाय, आ जाओ भाई आ जाओ, थोड़ा आगे देखते हैं घूमते हैं, काफी बढ़िया स्ट्रीट है यार देखना पूरा ऐसे मस्त वो हो रहा है, क्या बुला रहे What? Can you teach me? Uh-huh. 等一下，我签这个单词怎么读？कुछ तो translate कर रहे हैं भाई ये. Can you teach me Hindi? Yeah, sure. What do you want to learn? 新年快乐。What? Wait. Speak. 新年快乐用印度话怎么说 ？How to say Happy New Year? It's Happy New Year. Same.इन हिंदी वी से नया नया साल साल मुबारक मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, नए साल की बधाई हो, नए साल की बधाई हो, इन शॉर्ट यू कैन से नए नए साल साल की बधाई हो, यस दिस मींस हैप्पी न्यू ईयर ओके थैंक यू एंड इन हिंदी वी से धन्यवाद धन्यवाद यस इट्स मीन थैंक यू सो धन्यवाद धन्यवाद यस चलो भाई हिंदी सिखा दी चाइनीज लोगों को यहाँ ये देखो भाई इन्होंने अलग ड्रेस पहन रखी है लंबे लंबे कोट और ऐसे तलवार सी ले रखी है जो हम वानी बने थे अपना डेजर्ट में उस तरह का ड्रेस है इनका ये देखो भाई तो बढ़िया लग रहा है और ये लड़की ने पूरी वाइट ड्रेस पहन रखी है एक्चुअल में लड़कियों की ड्रेस ज्यादा बढ़िया लग रही है देखने में क्योंकि भाई ऐसे कोट वोट पहन के पूरा मेकअप शेकअप कर रखा है एक्सेसरीज लगा रखी है तो थोड़ा सा यूनिक है लड़के तो बड़ा प्लेन प्लेन सा बन के घूम रहे हैं इतना कुछ खास नहीं जैसे कि ये देखो भाई इन्होंने पूरा सज धज रखा है और लड़का सिर्फ एक कोट पहन के खड़ा हुआ है ना कई कई तो लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे भाई उनकी शादी हो रही हो आज पूरा लहंगा वहंगा टाइप का होता है ना उसी तरह की ड्रेस पहन रखी है एंड ये सामने देखो भाई कितना ह्यूज मॉल है स्टारबक्स भी है यहाँ पे देखो बट बहुत बड़ा मॉल है भाई बहुत बड़ा ये देखना ओए होए होए और वहां पे चल रही है भाई पूरे गुब्बारे शुबारे बेच रहे हैं लोग न्यू ईयर की सेलिब्रेशन तगड़ी वाली मुझे लग रहा है भाई आज ये व्लॉग ना वो हाउ एक्सपेंसिव की जगह न्यू ईयर या फिर चाइना के बारे में बन जाएगा थोड़ा सा तो देखते हैं कैसे एडजस्ट करना है क्योंकि कल के दिन भी मैं यहीं पे ही हूं तो हो सकता है कल मैं कुछ पार्ट शूट कर लूं और आज शूट कर लूं तो आपको तो मिक्स करके दिखाई दूंगा बाकी न्यू ईयर तो सेलिब्रेट करेंगे भाई इस व्लॉग में कैसे कैसे क्या होता है क्लब्स वगैरह इतने नहीं है यहाँ पे तो क्लबिंग मेरे को वैसे भी कुछ पसंद नहीं है स्ट्रीट पे ही लोगों के साथ थोड़ा बहुत मटक लेंगे और देख लेंगे ये देखो भाई एप्पल का स्टोर भी है सामने हो रहा छोटा सा ही है ज्यादा बड़ा नहीं है मेरे को लग रहा है ऑर्थराइज स्टोर नहीं हाँ ऑर्थराइज ही है भाई बट सही है यार लोगों का रिएक्शन कितना प्यारा मिल रहा है मतलब सब लोग हंस के हाय हेलो कर रहे हैं कोई ऐसे मतलब शक्ल नहीं बना रहा एंड प्रॉपर भीड़म भीड़ हुई पड़ी है भाई खतरनाक लेवल की सही लग रही है जगह मस्त है ना अभी तक तो भाई हम जितने भी शहरों में जा रहे थे थोड़ा वीरान वीरान सतार जगह क्यों है ना यहाँ पे दिख रही है प्रॉपर चहल पहल और अच्छा सा लग रहा है तो चले बेल टावर में या ऊपर जाके क्या करेंगे यहीं से हाँ यहीं से देख लिया बस छोड़ो एंड ये देखो भाई इस तरह से टू व्हीलर वगैरह मैंने आपको बताया था ना लोग पूरा टेंट बांध के चलते हैं भाई ताकि हवा ना लगे लोगों को तो ये टैक्सी सर्विस होगी मेरे ख्याल से तो जहाँ तक मुझे लग रहा है सब लोग बेल टावर की ही फोटो ले रहे हैं यहाँ पे वो मुस्लिम स्ट्रीट जो है ना फूड वाली वो शाम को ही स्टार्ट होती है आई गेस जैसे अपना दिल्ली में नहीं है वो चांदनी चौक में लाल उसके कौन सा था जामा मस्जिद के पीछे उसी तरह से तो हम कुछ खाएंगे तो नहीं भाई क्योंकि थोड़ा ऊटपटांग चीज़ें मिलती है समझ रहे हो तो मैं दिखा दूंगा बट पहले ही मैं भाई वॉर्न कर रहा हूँ जो लोग नहीं देखना चाहते वो चीज़ें
आप लोग उस पार्ट को स्किप करके आगे पीछे कर सकते हो। मेरा काम है, मैं अगर किसी कंट्री में जा रहा हूँ तो वहाँ का खाना दिखा दूँ बस। खाता तो मैं भी नहीं हूँ ऑब्वियसली, ना हम खाएंगे ना सोहन खाता है। तो आपको अगर देखने में अच्छा लगता है कि यहाँ क्या क्या बिकता है तो आप देख लेना, वरना कोई बात नहीं भैया स्किप कर देना, ठीक है जी। एंड भाई ट्रैफिक भी ना इस रोड पे काफ़ी लगा हुआ है, ये देखो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, बसेस ही बसेस, बट भाई मस्त लग रहा है। थोड़ा सा हम अंधेरा होने वाला है तब निकले हैं, ये देखो। आज वैसे तो ना रेस्ट करने का दिन था, क्योंकि इतने दिन से गाड़ी चला रहे थे ना लगातार, और मैंने सोचा था खाली रात में ही निकलूंगा और नाइट मार्केट और न्यू ईयर मना लेंगे। फिर मैं निकल ही गया भाई 2:30 बजे, गाइड ने भी जाना था तो वो कह रहे चलो मैं साथ चलता हूँ बस स्टॉप तक। है ना, चलो फिर ऐसी क्या बात होगी भाई। उस मॉल में ना जाने का मन तो कर रहा है, बट भीड़ देखना, ओए होए 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 भाई, सुरसम ठुस भरे पड़े हैं लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये आप जो भाई पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसका नाम है ये यीशु थिएटर कल्चरल डिस्ट्रिक्ट, इसलिए शायद से ना लोग जो है वो अलग अलग ड्रेसेस पहन के यहाँ घूम रहे हैं। और एक्चुअल में भाई काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है ये देखो। अब ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये पूरी की पूरी बिल्डिंग एक थिएटर टाइप का है या क्या चीज़ है, किसी को पता हो इस सिटी के बारे में तो आप बता सकते हो। बट ये देख रहे हो क्या मस्त लग रहा है भाई, सब पूरा आर्ट बना रखे हैं। भाई यहाँ पे ना इस तरह से ना फ्रूट्स को चाशनी में डुबो के जमा के बेचते हैं, जैसे ये स्ट्रॉबेरीज है, ये ग्रेप्स है, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो हमने कौन सा लिया था उस दिन, ये स्ट्रॉबेरी थोड़ी थी, वो दूसरा था गोल वाला, वो नहीं है यहाँ। तो चलो एक स्ट्रॉबेरी वाली स्टिक ले लेते हैं, दोनों खा लेंगे उसी में। ये था उस दिन, पर चाशनी में जमा हुआ था, है ना। पर इन्होंने कहाँ है, चलो आपको दिखाता हूँ भाई बनता कैसे है। हेलो, वन नो देन स्ट्रॉबेरी This, yes, 1, 5, 15, 15, okay. चलो भाई आज मैं ना अली पे से पे करके देखूंगा, कल हमने अली पे चालू किया था, होपफुली चल जाना चाहिए। मैं चल जा, चाइनीज फोन ने औकात दिखा दी भाई। देखो भाई इस तरह की ऐप है, सिंपल ये स्कैन करना है, ये इनका भाई QR कोड है, QR कोड स्कैन करा इस तरह से। अरे यार बड़ा अटक रहा है फोन, ये खुल गया, अब अमाउंट डालना है। हाउ मच 15, ओके 15 yen है, 15 टाइप करके पे करना है, और वही जैसे UPI पिन होता है वैसे इनका एक अली पे का पिन मैंने जनरेट करा है। लो जी पेमेंट हो गई है, डन, ओके डन भाई। अभी ये देखो इसमें ना कटे है 14.25, क्योंकि मेरा कूपन पड़ा हुआ था एक 0.75 का, यानी कि लगभग 8-9 रुपए का कूपन लग गया अपना। तो मेरे अब इंडिया वाले कार्ड से डायरेक्टली पेमेंट कट गई है और यहाँ पे मैंने पे कर दिया है। और ये आ गई अपनी फ्रूट वाली मिठाई, खा के देखते हैं कैसा है, क्योंकि उस दिन वो दूसरा वाला तो मस्त था। ओ भाई साहब मस्त है भी, तगड़ा भाई एकदम मज़ेदार। फ्रूट्स बहुत मिलते हैं यहाँ पे, देखो इस तरह की रेडी है 8.5 yuan पर प्लेट, अपना हिसाब से प्लेट उठाओ और खुद आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो। ड्रैगन फ्रूट है, टमाटोज है, इसके अलावा ये देखो भाई अंगूर बड़े वाले, खरबूजा है, आम भी था, बोरा केले है, तो सारे फ्रूट्स है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। नहीं हाँ, तो ये अच्छा है कि जो भी वेजिटेरियन लोग हैं ना भाई, उनको फ्रूट्स वगैरह में दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे काफ़ी मिल जाएंगे फ्रूट्स। तो हम भी यही है भाई, फ्रूट वाली आइटमें खा पा रहे हैं, बाकी तो हर जगह ऊट पटांग सा मीट ही मिल रहा है कुछ। ये देखो एक और रेडी भाई, इतने बड़े बड़े फ्रूट्स, नहीं हाओ देखो सारे फ्रूट्स है भाई, बड़े बड़े, नो थैंक यू। एंड ये देखो भाई अलग अलग तरह के, आप समझ ही लो क्या क्या है भाई। ऑक्टोपस भी मिल रहा है भाई, वो रहा शायद ऑक्टोपस ही है वो। तो ये मैं आपको कह रहा था आइटमें यहाँ पे मिलती है अजीब गरीब सी, इनकी तो स्मेल भी भाई अजीब सी लग रही है, पास खड़े हो जाओ ना तो लग तो रहा है मसाले वाली आइटमें हैं, बट समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पे तो लोगों को बहुत पसंद है भाई, ये देखो प्रॉपर ग्रिल में जो है वो गरम कर रहे हैं, तो मस्त एकदम, देख रहे हो। अच्छा इसके अलावा भाई ये सोसेजेस बहुत बिकती है यहाँ पे इस तरह की, अभी किसके मीट से बनी है ये तो नहीं पता, बट ऐसे इसको फ्राई करते हैं फिर ऊपर से मसाले डाल के और फिर सर्व करते हैं, तो ये भी काफ़ी फेमस है यहाँ। ओ शकरकंदी मिल रही है भाई, सॉरी ये देखो 2.5 yuan, 1 yuan 12 रुपए का है, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना भाई अराउंड 30 रुपए का। तो इस तरह से शकरकंदी है, वो इसमें स्टीम करके, भुट्टा भी है वो देखो भाई भुट्टा भी है। खाए शकरकंदी, खाए कैसी है, एक खाते हैं, एक्सक्यूज मी, हेलो, वन प्लेट, यस वन प्लेट, यस वन, यस गरम करके, हाँ दिस, यस, हाँ। तो ये मेरे को लग रहा है भाई ऐसी ना दे दे उठा के, कैन यू कट इट, कट 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 कट
नो, मना कर रहे हैं भाई। अरे हाँ, ऐसे कैसे खाएंगे हम, कंफ्यूज है ये, या तो इन्हें समझ नहीं आ रहा भाई क्या सीन है, क्योंकि बिना कट करे हम कैसे खा लेंगे भाई। ये देखो भाई, इस तरह से इन्होंने उठाया और सीधा तराजू में रख दिया। तो अच्छा, ये 2.5 yuan पर केजी ना हो भाई, हाउ मच, 9.36, पर कैन यू कट इट डाउन, कट खाएंगे कैसे अंकल जी, कट करके दो ना प्लीज। व्हाट, क्या कह रहे हैं, बोल रहे पे करो, पे तो कर देंगे अंकल, वो तो ठीक है, करना पे, ये लो ना दूसरे वाले फोन में। अच्छा कर रहे हैं, कट लो, इतने पेमेंट कर दो, 9.36 है, कर देना पेमेंट। काट रहे हैं भाई, काट रहे हैं अंकल जी, चाकू ले आए हैं, होपफुली अच्छी हो टेस्ट, क्योंकि इंडिया में तो मस्त होती है भाई, नींबू मसाला डाल के ना मज़ा सा आ जाता था। अब यहाँ चाइना की शकरकंदी कैसी है ये नहीं पता भाई, लेट्स सी, खा के ही देखते हैं। है तो शकरकंदी ना भाई, पक्का है, 9.36, हाँ है तो शकरकंदी ना, पता चले कुछ और हो। अच्छा ऐसे डायरेक्टली खाते हैं भाई, दिखाना। तो काट के बस इन्होंने दो टुकड़े कर दिए बस, और फिर इसको चलते चलते खाते रहो, पेमेंट कर दो पहले इनको। क्या हो रहा है भाई, ये पेमेंट अटक ना जाए इंडिया की तरह, यहाँ तो ये बिठा लेंगे हमें, कहेंगे पैसे देकर जाओ फिर ही जाना, पैसे पड़े हैं हम पे, कैश तो है बट अटक ना जाए ना, लग रहा है मुझे अटक जाएगी। OTP मांग रहा है, देखना इसी में आया, इसी फोन में आएगा OTP आएगा, तो ICICI का है तो भाई, बैंक वाले मांग रहे OTP, इंडिया वाले करना पड़ेगा OTP, पता नहीं आ रहा, लीपे से तो पेमेंट हो नहीं रही थी, वो तो कैश ही दे दिया। इसका मतलब ये है, पता क्या सीख मिलती है, कि कैश अपने पास रखा करो एक्स्ट्रा भाई, कभी भी ये डिजिटल पेमेंट्स ना धोखा दे सकती है, लेकिन कैश चोरी होएगा ज़्यादा से ज़्यादा, धोखा तो क्या देगा है। शकरकंदी खा के देखते हैं भाई, पीली पीली, ओस यार बढ़िया है, प्रॉपर इंडिया वाला ही टेस्ट है, बस मसाला और नींबू मिल जाए ना, सोने पे सुहागा। खाओ खाओ तुम, देखो तुम्हारे राजस्थान में मिलती है शकरकंदी, मिलती है खाना वैसी है टेस्ट, क्योंकि मुझे तो वही लग रहा है भाई, गुड़गांव वाला पूरा टेस्ट एग्जैक्ट तो सेम है ना भाई साहब। और यहाँ देखो साइकिलें भाई ढेर लगा पड़ा, मतलब वो आप जहाँ तक रोड देख रहे हो ना, वहाँ से साइकिलें शुरू हो रही है, और ये सॉरी तो चाइना ने बहुत साइकिलें छोड़ रखी है सड़कों पे, स्कैन करो और मस्त घूमो, इसी में यूज नहीं कर रहा कोई, आज न्यू ईयर है ना, सब लोग पैदल ही घूम रहे हैं। ये देखो इस तरह के गुब्बारे गुब्बारे लेके, निहाओ निहाओ। एंड ये रोड पे भाई मॉल ही मॉल है, जैसे देखो ये शिंग शियांग युआन प्लाजा है, इसके साइड में देखोगे आप वो दूसरे वाला मॉल है भाई, एप्पल का बड़ा सा स्टोर भी है, फिर तीसरा मॉल वहाँ पे था, ऐसी आगे लाइन से भाई बहुत मॉल है। और मेरे को लग रहा है ये देखो इधर भी देखोगे ना आप, तो यहाँ भी आगे की तरफ मॉल ही मॉल है, काफी सारे प्लाजा। चलो एंड तक चलते हैं भाई, अपने पैर है, पैसे तो लग नहीं रहे हैं ना, जितना मर्जी चल सकते हैं, चलते चलते शकरकंदी इंजॉय करते हैं मजे से। सल्लू भाई यहाँ क्या कर रहे हो आप फुटपाथ पे हैं? ये भी अच्छा है भाई, जगह जगह पे डस्टबिन रखे हुए हैं, तो गंदना रोड पे नहीं मचता, आप देखोगे ना भाई स्ट्रीट्स पूरी की पूरी ऐसे साफ है, चमक रही है। एक चीज और भाई, किसी भी देश के साफ सुथरा होने के पीछे ना गवर्नमेंट क्या ही कर सकती है, जब तक वहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे, तो लोगों के हाथों में ये है कि भाई अपने जगह को साफ रखना। अगर हम एज अ सिटीजन ही गंद मचाते रहेंगे तो गवर्नमेंट बार बार आके सफाई थोड़ी करेगी वहाँ की, तो ऐसी यहाँ पे है भाई, लोग गंद मचाते ही नहीं है, तो इसलिए ज्यादा साफ सफाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और एक ये ब्रांड है यहाँ का अंटा करके, यहाँ पे कपड़े वपड़े मिल रहे हैं भाई सर्दियों के बहुत सारे, बट अपने पास तो काफी है तो इतनी दिक्कत नहीं। और बसेस भाई बहुत चल रही है, ऐसे हर एक एक सेकंड में नई बस आई जा रही है। तो इन शॉर्ट इस सिटी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, आपको कहीं भी जाना हो आप आराम से जा सकते हो, चाहे बस से चाहे मेट्रो से, और यहाँ पे आके मस्त अपना शकरकंदी खाओ। तो भाई ये वाली स्ट्रीट तो पूरी घूम ली, अब जा रहे हैं हम दूसरी स्ट्रीट जिस रोड पे मॉल है ना, तो बीच में रोड क्रॉस करने का कहीं पे भी नहीं था, सिर्फ ये ही है अंडरग्राउंड, यहाँ से जाओ और दूसरी तरफ से निकल जाओ। आ मास्क लेने के लिए आया है भाई, बट इनके पास तो जुराबे है खाली, मास्क नहीं है। आओ आगे देखते हैं, ये देखना भाई कितनी सारी वो वेंडिंग मशीन्स लगी हुई है, अपना सिक्का डालो हैंडल से पकड़ के इसमें डाल लो, तो ये तो अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, अपने मतलब का नहीं है भाई। ये क्या चीज़ है, कुछ तो चॉकलेट टाइप का है, ट्राई करूँ ये, क्या पता मैं जीत जाऊँ इसमें, कोकोनट का है ना। और देखते हैं भाई, ये पूरी ना एक गली सी बनी हुई है, इस गली में ऐसी गेम्स ही गेम्स है, ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना भाई, ऊपर लाइटें शाइटें हुए। ये देखो भाई कितनी सारी चीजें हैं, लगभग सब कुछ है यहाँ पे,
तो देखते हैं कोई समझ आएगा तो एक गेम खेल के देखेंगे यहाँ पे। और हाँ ये देखो भाई लेज मिल रहे हैं, लेज निकालूं भाई? लेज मिल रहे हैं, क्या पता निकल जाए। एक कितने का है ये? 2 युआन का है भाई। लाओ सिक्का देना, मेरे पास है सिक्के शायद से, ट्राई करते हैं, अगर निकल जाएगा तो एक मजा आ जाएगा। 2 युआन मतलब हो गए 24 रुपए। और ये लेज का पैकेट वैसे यहाँ पर है भाई 112 रुपए का, तो सोचो अगर 24 रुपए में हमने चिप्स का पैकेट निकाल लिया तो बढ़िया होगा ना। ट्राई करते हैं। है? नो? ये नहीं डलेंगे, मेरे को लग रहा है खरीदना पड़ेगा। आनंद व्हाट या ठीक है भैया, ठीक है ना आएगा, ठीक है ले जाऊंगा। ओके ये तो भाई इन्होंने तो फ्री में दे दिया, पैसे ही नहीं लिए मेरे से हैं, 2 सिक्के दे दिए। ये देखो एक अपना वापस आ गया, आ जाओ। पकड़ तो लिया था भाई, देखो गिर गया, बेइज्जती हो गई, बट कोई नहीं, हमारे पैसे वेस्ट नहीं हुए, भाई ने फ्री में सिक्के दे दिए थे अपने को। छोड़ो यार, थैंक यू। पचका हो गया भाई हमारा तो, सही में बताओ। ये बड़े पैकेट है, ये निकल सकता भाई, देखना ये वाला एज पे है ना बिल्कुल, अगर ये नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। बताओ प्लास्टिक का है और इससे टूट जाएगा। हाँ ये बात है, ये ना प्लास्टिक की चीज है और इसमें स्लिप हो जाती है ये, तो इसलिए कुछ ऐसी चीज देखनी पड़ेगी जो पकड़ी जा सके भाई, कुछ ऐसा ना। क्या ये बोतल भी नहीं पकड़ी जाएगी क्योंकि इसकी ग्रिप कम है ना, तो बोतल का ढक्कन इतना नहीं पकड़ पाएगा वहाँ। भाई साहब देखना, हर तरह की वेंडिंग मशीन तो नहीं कहेंगे इसे, ये प्राइस वाली है, बस प्राइस के जगह पे इन्होंने खाने की आइटमें रख दी बहुत सारी। तो लेट्स सी भाई, ये देखते हैं भाई कर पाएंगे कि नहीं, लेट्स सी। चलो भाई, ये तो भाई साहब तो पूरी टोकरी लेके घूम रहे हैं सिक्कों की, देखना हर मशीन में डाल डाल के देख रहे हैं, लॉटरी जीतने तो सिक्के निकाल लो निकाल लो, रहन दो उनके होंगे, उनके हैं उनके, बोल दो उन्हें। ट्रफल चॉकलेट भाई, ये तो निकल ही नहीं सकते भाई ये चीजें, तो देखना ये डब्बा इतना छोटा है कैसे निकल जाएगा, ये तो ये सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं। बट ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए अच्छी। ओ भाई क्या मस्त लग रहा है, ये देखना भाई साहब, ये लाइटें जो है ना भाई, लाइटों से ही अलग नजारा आ रहा है, ये पूरी गली बना रखी है इन्होंने एकदम तगड़ी सी, देखना। और सामने इतनी बड़ी स्क्रीन भी लग रही है, कोई तो चाइनीज मूवी चल रही है शायद से, पता नहीं भाई। एंड ये देखो पूरा आर्ट वर्क वगैरह ऐसे ड्रैगन वाला, ओ इस तरह से भाई दीवार पे ही ड्रैगन बना रखा है इन्होंने, सब लोग रुक रुक के यहीं पे फोटोज ले रहे हैं, मस्त लग रहा है ना। ऊपर देखो भाई, ओए होए होए भाई साहब, नेक्स्ट लेवल नियॉन लाइटिंग है पूरी गली में, बल्ब नहीं है ये, वो है नियॉन लाइटिंग, क्लब नहीं, क्लब क्लब क्लब, हाँ क्लब लग रहा है। इसके एंट्रेंस पे म्यूजिक भी बज रहा था बट क्लब नहीं है ये, एक स्ट्रीट सी बना रखी है इन्होंने पूरी की पूरी ना। अरे इंग्लिश में चल रही है, नीचे सब टाइटल चाइनीज है बट मूवी इंग्लिश है शायद से, ना 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 चाइनीज में बोल रहा है, सब टाइटल्स इंग्लिश है। ये देखो भाई काफ़ी बढ़िया है यार जगह तो, ऐसे जब इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पे है ना, नो डाउट भाई अभी तक की बेस्ट सिटी लगी मुझे पूरे चाइना के एक्सपीरियंस में, मतलब वो तिब्बत साइड अलग ही एक्सपीरियंस था पहाड़ वाला, लेकिन ये प्रॉपर भाई सिटी लाइफ है, देखना ऐसे मस्त मस्त जगह बना रखी है बैठ के, सब लोग फोटोज वगैरह ले रहे हैं कपल्स वगैरह। चलो भाई इतना ही था इस वाली गली में, तो अब बाहर निकलते हैं। ओ भाई साहब देख रहे हो क्या क्या बना रखा है भाई, ये सब लोग आज खरीद खरीद के पहन के घूमेंगे मजे से एकदम। अच्छा ये है भाई मशीन, इसमें अपने पैसे डाल के आप सिक्के ले सकते हो और फिर इस टोकरी में भर जाएगा और अपना फिर अंदर जितनी मर्जी चलाओ, तो आपको 1000 युआन का लोगे तो 2300 युआन मिलेंगे, 500 के 1100 मिलेंगे, 300 के 640, सही है यार उस हिसाब से तो है ना। तुम लाओ वाला भाव, भाव भाव वाला पाओ, वड़ा पाओ खा लो सारे भाई, वाओ वाओ क्या बोल रहे हो, वड़ा पाव खाएगा लड़का भाई। यहाँ तो गाने ऐसे लग रहे हैं जैसे वड़ा पाव बोल रहे हो, समझ तो आते नहीं है भाई। जैसे जैसे रात होती जा रही है भीड़ और ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि न्यू ईयर के लिए आ रहे हैं ना लोग, 12 बजते ही ऐसे ठूसम ठूस हो जाएगा ये स्क्वायर मेरे को लग रहा है। ठंड भी नहीं है इस सिटी में अभी, मेरे ख्याल से 3 या 4 डिग्री सेल्सियस हो रहा होगा, तो माइनस में नहीं जा रहा, अच्छी बात है। अभी देखते हैं भाई इंडियन रेस्टोरेंट घूम जाते हैं, खाना खा लेते हैं पेट भर के, उसके बाद आपको ले जाऊंगा मैं मुस्लिम स्ट्रीट्स पे, वहाँ पे अलग अलग तरह का फूड दिखाऊंगा जो हम नहीं खा पाएंगे, तो इसलिए पहले हम हिंदू खाना खा लेते हैं फिर आपको मुस्लिम खाना दिखा देंगे। ये भाई वो मॉल आ गया जो हम उस वाली रोड से देख रहे थे, आपको दिखाया था ना मैंने, तो ये आ गए हम इसके बाद। मॉल के अंदर क्या ही जाना भाई, सेम ही होते हैं हर मॉल, स्ट्रीट पे ही घूमते हैं थोड़ा एंड तक जाके। ओ भाई साहब एक और स्ट्रीट है ये देखो, ये भी एंड तक पूरी ऐसे भरी पड़ी है लोगों से ही, सारे शोरूम वगैरह भी है। तो भाई ये आ गया बड़े वाला एप्पल स्टोर, मैंने आपको दिखाया था ना। एक्चुअल में जब मैं लंदन रोड ट्रिप पे गया था ना, तो मेरी बहन ने कहा था कि मेरे उस ट्रिप पे ना 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो मैंने उसे कहा था अगर ऐसा हो गया तो मैं उसको आईफोन गिफ्ट दूंगा एक,
पर उस ट्रिप पे हो नहीं पाए भाई, 2.7 पे अटक गए थे। एंड इस ट्रिप पे उसने कहा है कि 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो मैंने फिर से कह दिया, मैंने कहा 4 मिलियन हो गए तो आईफोन दे दूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ भाई आप लोग 4 मिलियन शायद करवा ही दोगे, तो चाइना में ही सबसे सस्ते आईफोन मिलते हैं, तो एक बार यहाँ पे ना रेट वेट पता कर लिया जाए, अगर अच्छा रेट होगा तो लेके रख लेता हूँ, दूंगा नहीं अभी ऑब्वियसली जब तक 4 मिलियन होंगे नहीं, तो आपकी जिम्मेदारी है वो करवाना, ठीक है। तो भाई ये एप्पल का स्टोर है बहुत बड़ा सा, आ जाओ इसमें चलते हैं और प्राइजेस वगैरह देखते हैं थोड़े से, इंडिया से कितना सस्ता है, अगर ज़्यादा सस्ता होगा तो ले लेंगे फिर भाई। भाई यहाँ पे 15 प्रो जो है ना वो मिल रहा है 7399, यानी कि अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इतने का पड़ रहा है 88,000 रुपीज़ का सिर्फ। और ये है 15 प्रो मैक्स 256 GB 8999 का, यानी कि 8999 मल्टीप्लाई बाय 12, भाई 108,000 रुपये का मिल रहा है 15 प्रो मैक्स, जो इंडिया में अराउंड 160 का है, तो समझ रहे हो आप 53,000 रुपये सस्ता मिल रहा है यहाँ पे। भाई गलती कर दी भाई, इंडिया से लेके ना मैंने एक एक्स्ट्रा 15 प्रो मैक्स यहीं आके ले लेता, यहाँ पे 1 TB कितने का है, 1 TB देखे एक बार पूछते आओ। वैसे अभी ना हम थोड़े दिन के बाद शेंजन करके एक सिटी जाएंगे, जो भाई वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिगेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे ज़्यादा बेटर रेट मिल जाएगा, तो यहाँ का भी रेट ले लिया एप्पल स्टोर का, और एक बार ऑफलाइन मार्केट का भी ले लेंगे बाहर जो दुकानें होती है वहाँ पे शेंजन में, फिर अगर अच्छा रेट मिल रहा होगा तो वहीं से खरीद लेंगे फिर एक 15 प्रो मैक्स, नहीं मैक्स तो बड़ा हो जाएगा बहन के लिए, प्रो सही रहेगा अपना 1 लाख के अंदर अंदर आ जाएगा, लेट्स सी बाकी आ जाओ। तो इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ से भाई 7 किलोमीटर दूर, और मैं कर रहा हूँ एक टैक्सी बुक। अब इनकी जो भाई मैप वाली एप्लीकेशन है ना, इसी ने देखो सारी की सारी ना टैक्सी की ऐप को एक जगह पे कर रखा है, देखो ये सारी ऐप्स है यहाँ चाइना में भाई साहब, इंडिया में तो ओला उबर रैपिडो ये 4-5 ही चलती है, यहाँ देखो कम से कम भाई 25-30 ऐप्स है, तो रेट भी आ रहे हैं सबके। अभी सबसे सस्ता फिलहाल इस पे आ रहा है ना, तो ये ही बुक कर देते हैं भाई, लेट्स सी आएगा कि नहीं आएगा टैक्सी वाला। ये देखो भाई टैक्सी बुक हो गई है, ये गाड़ी का नंबर है जो आ रहा है हमें लेने के लिए, और इतना दूर है अभी इस राउंड अबाउट पे, तो लाल मतलब जाम लगा पड़ा है, कोई नहीं वेट कर लेते हैं भाई। इस टाइम पे भाई पीक टाइम चल रहा है, मतलब बहुत भीड़ है, बहुत लोग टैक्सी बुला रहे हैं या टैक्सी से आ रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है ऐसा कि महंगी मिलेगी, बाकी कोई नहीं भाई, इंडियन खाना इतने दिन से नहीं खाया, बहुत तलब हो रही है, अब आज वेट नहीं कर सकता, तो मैंने कहा खा के ही जाएंगे और फिर एक्सप्लोर करेंगे। देखना भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई साहब, ओए होए होए मज़ेदार, टैक्सी वाला भाई हिल ही नहीं रहा वहाँ से, देखना कितना मेरे को लग रहा है बहुत ही ज़्यादा जाम है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल चल के आ रहा है, और इसी रोड पे आएगा अभी यहाँ पर ही कहीं। भाई ये तो फ़ोन कर रहे हैं मैं टैक्सी ड्राइवर वाले भैया, करो बात करो चाइनीज़ में, तुम्हें आती है ना चाइनीज़ अच्छे से, बात करो निहाओ तुमको हिंदी आती, इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन भाई साहब हिल भी नहीं रहे अपनी जगह से जहाँ पे खड़ा है ना, मुझे लग रहा है इंडिया के ड्राइवरों के जैसे ही सीन है इनका भी, कि कैंसिल खुद तो नहीं करते, कस्टमर ही कैंसिल कर दे वेट करते करते, कब से नहीं आ रहा भाई, क्या कहते हो ना आउटसाइड एप्पल स्टोर रख दिया भाई, वही चाइनीज ही आती होगी या तो फिर समझ लो वही है कि आना नहीं चाहता। ये क्या लिखा हुआ था कुछ तो, ये देखो इसने कुछ तो इसने ये मैसेज किया भाई, स्कैन करके देखते हैं क्या लिखा है इसने। अरे 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 गाड़ी वाले भैया चढ़ा मत देना। हेलो मे आई आस्क योर पिकअप एड्रेस इज एक्यूरेट, आई विल फॉलो द नेविगेशन टू पिक यू अप, यस लिख दो यस। अरे रुको रुको रुको, ये नीचे आंसर भी है भाई, हेलो माय पिकअप पॉइंट इज एक्यूरेट, प्रेस द नेविगेट बटन, यस कर दो पहले वाला चूज कर दो, हाँ ये पहले वाला हाँ। अरे का कर दिया, अरे रुको बाबू, हाँ बस अब आ जाएगा वो, सही है भाई, चलो गूगल ट्रांसलेट बचा लेते कभी कभी, बट अब ये नहीं पता कि ये एक्चुअल में आने वाला भी है या नहीं आने वाला, हम तो साइड में ही बैठ गए भाई। देखना नंबर क्या है, B3R ना, देखो कौन सी गाड़ी है B3R, पहुंचा हुआ है भाई हमारा, नाना इधर ही है, फिर से मैसेज आया भाई का, आई हैव अराइव्ड एट द पिकअप पॉइंट, हाँ हाँ वो तो ठीक है पर वो कहाँ भाई, हाँ 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 एक्सक्यूज मी कैन यू टॉक टू द टैक्सी ड्राइवर, चलो कर लेगा। तो हम भाई एप्पल स्टोर के बाहर खड़े, ये रहा एप्पल स्टोर, अब वो कहाँ है, वो तो नहीं है, देखना B3R है ना, that one, okay, that one, yeah. चलो भाई चलो आ जाओ, थैंक यू सिस्टर, चलो भाई चलो आ गई टैक्सी, इंडियन खाना, let's go। ओ भाई साहब तगड़ी गाड़ी आई है, देखना ऑटोमेटिक डोर वाली शायद से, बढ़िया लग रही है, यही है ना, हाँ यही है, नी हाओ, हाउ आर यू, ओके चाइनीज ही ब्रांड है, तो भाई यहाँ OTP की जगह ना अपने मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट देना है, यस, दिखाओ नंबर दिखाओ, वेट 2 मिनट्स, तो लास्ट के 4 डिजिट बताने हैं मोबाइल नंबर के, दिस वन, ओके लेट्स गो भाई। चलो जी फाइनली सक्सेसफुली हमने चाइना में फर्स्ट टैक्सी ले ली है, ऑटोमेटिक छोड़ दो, खुद हो जाएगा बंद, वो देख लो बटन दबा रहे आगे से भाई साहब,
और गाड़ी बंद। सिक्स सीटर है ये, पीछे दो, बीच में दो, दो आगे। तो भाई ये कुछ तो बोल रहे हैं चाइनीज में। या यू कैन स्पीक, वेयर इज योर डेस्टिनेशन? वेट आई विल शो यू, इंडियन रेस्टोरेंट है भाई दिस वन। ठीक, इंडियन रेस्टोरेंट है। या क्या बोल रहे भाई, ये ऐसा लग रहा है मंत्र पढ़ रहे हो कोई। यस वैसे पता भाई इंडिया में ही सही है, टैक्सी ड्राइवरों को भी ना इतनी तो बेसिक इंग्लिश आ जाती है, समझ या बोलना कि अपने कस्टमर को समझा सके। लेकिन चाइना में बहुत बुरा हाल है भाई, यहाँ पे इंग्लिश बहुत रेयर केस होता है कि जिसने स्कूल में अच्छे से पढ़ी हो ना इंग्लिश उन्हीं को आती है, बाकी तो नहीं आती मेजोरिटी लोगों को। होपफुली समझ गए हो वो जहाँ पे हमें जाना है। कोई नहीं, अभी आएंगे हम वापस यहीं पे ही भाई। और बस मेट्रो लेने का मन नहीं था, जा तो रही थी बस भी वहाँ, पर टैक्सी भी लेके देख लेते एक बार, शायद आते वक्त आ जाएंगे। क्योंकि अभी देखो 6:40 हुआ है भाई, हम मैक्स टू मैक्स 8:30 बजे तक यहाँ आ जाएंगे। मुस्लिम स्ट्रीट घुमाऊँगा आपको 1.5 घंटा, 10:30 बज जाएंगे, थोड़ा सा मॉल घूम लेंगे आधा पौना घंटा, और फिर 12 बज जाएंगे। तो फिर हैप्पी न्यू ईयर सभी को हो जाएगा, मज़े वाला है। भाई आई गेस पे हो गया है। ओके सिस्टर थैंक यू, लेट्स गो भाई चलो। वो मुझे लग रहा है अली पे से डायरेक्टली पे हो गया है, पता नहीं क्या हो सकता, पैसे ही ना लिए हमसे हैं, पता नहीं, देखना ऐप में खोलना, दवाई थोड़ी। सही बात है, चलो इंडियन रेस्टोरेंट बैठते हैं, फिर आपको दिखाऊंगा कि पेमेंट हुई या नहीं हुई। तो ये भाई मार्केट सी है, इसी में कहीं पे दिखा रहा है इंडियन रेस्टोरेंट। और वोरा वोरा देखो, दिख गया आपको ए वोरा? अरे लाइट यार ज्यादा आ रही है। हाँ अंबर पैलेस इंडियन रेस्टोरेंट, अरे यार चलो आ जाओ वहीं जाके दिखाएंगे डायरेक्ट, छोड़ो। ये देखो भाई ये है रेस्टोरेंट का पोस्टर, नाम है एम्बर या अंबर पैलेस। चलो रिव्यूज तो अच्छे थे भाई की, टेस्टी खाना मिलता है, लेट्स सी बाकी। भाई साहब यहाँ आते ही इतनी खुशबू आ रही है, तड़का लग रहा है तगड़े वाला। ओ हो, खुशी देख रहे हो आप मेरे चेहरों पे भाई, ये है भाई। ओहो डांस चल रहा है यहाँ तो, देख रहे हो टेबल ले लेते हैं। भाई साहब पूरा भरा पड़ा है, एक भी इंडियन नहीं है यहाँ पे खाने के लिए, सारे के सारे चाइनीज लोग ही आए हुए हैं। यानी कि भाई चाइनीज लोगों को भी इंडियन फूड काफी ज्यादा पसंद है, हालांकि जो रेस्टोरेंट का स्टाफ है वो प्रॉपर इंडियन है, और जो बार काउंटर पे बैठे थे ना भाई वो तो अपने सब्सक्राइबर ही निकले, कह रहे फोटो खिंचवा के जाना। मैंने कहा बिल्कुल जी, पहले खाना खिला दो टेस्टी टेस्टी, उसके बाद फोटो जरूर लेंगे। आते ही भाई इन्होंने पहले तो गर्म पानी, मैंने कहा ठंडा ला दो, गर्म नहीं पीना। और ये स्कैनर है, ये स्कैन करो अपना वी चैट से, और सारा का सारा मेन्यू जो है इनका आपके फ़ोन में ही खुल जाएगा। मेन्यू नहीं है इनके पास। ये भाई साहब कहाँ से हो आप, इंडिया में कहाँ से? दिल्ली से हो सर। दिल्ली से हो, किस जगह दिल्ली में? द्वारका। द्वारका, आप भी देखते हो वीडियोस? वीडियोस देखता हूँ। अरे ये भाई भैया अभी सब्सक्राइबर निकले। बढ़िया है खाना, टेस्टी है, मज़ा आ जाएगा, आ जाएगा। चलो सही है, ये देख लो भाई इनका मेन्यू, बाकी वेज नॉन वेज दोनों है। सब्जी जो है वो अराउंड 50-60 युआन की है, यानी कि मोटा मोटा 600-650 रुपए की। और बटर नान है एक 15 युआन का, यानी कि 200 रुपए के आसपास, 180 का हो गया ना। और चावल वगैरह भी सब कुछ है, तो ठीक है, इतना एक्सपेंसिव नहीं लगा मुझे। सब्जी तो महंगी है पर नान वगैरह सही है, वरना यूरोप में तो भाई नान मैं खाता था 600-600 रुपए के नान थे, यहाँ पे तो 180 रुपए का है। तो ठीक है, काम चलाओ, हाथ धो जाता हूँ और फिर शुरू करते हैं। लो जी लो, एक सब्जी, बटर नान, साथ में प्याज, चावल अभी वो छोटे वाले ले आए थे, मैंने कहा बासमती दो, तो बासमती लेकर आ रहे हैं अभी भैया, आपने वो तो बासमती खाने, थोड़े से महंगे हैं ऑब्वियसली, बट ठीक है कोई बात नहीं। भाई देखो ये यहाँ के ना ओनर है, और ये चाइना की मूवीज में काम करते, यही ओनर है ना यहाँ के? तो ये देखो ये सारे एक्टर्स है चाइना के, उनके साथ ये वाले ओनर है, तो ये मूवीज में एक्ट करते हैं चाइना की, और इन्होंने ही रेस्टोरेंट खोला है यहाँ पे। बताओ भाई बढ़िया खाना था, है मजेदार, टेस्ट एक नंबर था भाई, मजा आ गया। मीठे में मंगवाया है श्रीखंड वाली आइसक्रीम या कुल्फी, लेट्स सी कैसा लगता है, मन भर गया सही में ना, इतना टेस्टी खाना था, मजा आ गया। स्पेशली ये लंबे वाले बासमती राइस थोड़े महंगे है बट अच्छे है, खा लेना ये थोड़े से और घटक जाओ, देख रहे हो ये रोटी बच गई मेरे सामने, बदतमीजी नहीं खाने का अपमान कभी नहीं, खाना हमेशा पूरा खत्म करना है, वेस्ट नहीं करना, सुन गया मेरी बात? मेरे साथ नहीं हो, मैंने तो अपना खा लिया ना, तुमने मंगवाई थी ये चावल, मैंने मंगवाए थे पर तुम्हारे लिए भी मंगवाए थे, मैंने अपने हिस्से का खा लिया। सही बात है, पूछा नहीं मैंने इससे, बट ठीक है खत्म कर देंगे भाई, वेस्ट नहीं कर रहे हैं। लो जी लो, आ गया अपना श्रीखंड ऊपर काजू के साथ, पहली बार खा रहा हूँ भाई मैं श्रीखंड, मैंने इससे पहले नहीं ट्राई करा था कभी। खट्टा मीठा है तो कुछ,
सही है लेकिन। तो जी अपना टोटल आया है 153। आप 153 रुपए क्यों बोलते हो? 153 रुपए नहीं, 153 येन या युआन। तो आरएमबी भी बोलते हैं, आरएमबी इंडिया के मोटा मोटा आप लगा लो 1800 रुपीज बने ना, 1800 बने 12 के हिसाब से भी करो, लाओ पे कर दो 153 कर दो। खाना बढ़िया लगा, कल भी आएंगे। मेरा नाम मोहन भाई का नाम किशोर। आप कहाँ से हो? डैम के एरिया के। कितने साल हो गए आपको? 7 साल। चलो बढ़िया लंदन ब्रिज के पास आपका वीडियो। वो भी बहुत से, जब आप 20 मिनट में कहीं गाड़ी पार्क करने जा रहे थे वो वाला मैंने देखा नहीं आता। यहाँ पे यूट्यूब चलता है उससे ज्यादा, वीपीएन से बहुत बड़ा इशू है। सही है, चाइना में भी सब्सक्राइबर बढ़िया मिलते हैं आपको। चलो ओके, आप मेरठ से हो ना? आ गई, चलो ठीक है भाई, ओके जी ओके। थैंक यू। तो भाई अभी मैंने चेक करा, टोटल बिल आया था अपना 28 युआन का, यानी कि अराउंड मोटा मोटा 350 रुपये के आसपास 7 किलोमीटर के लिए। ट्रैफिक ज़्यादा था, 30-35 मिनट लग गए थे अपने को, 40 मिनट लग गए थे भाई, काफ़ी था। तो अभी सेम टैक्सी बुक करी है क्योंकि वहीं पे जा रहे हैं, बेल टावर के पास मुस्लिम स्ट्रीट है ना, तो थोड़ा वहाँ एक्सप्लोर करेंगे। खाना अच्छा था, मज़े आ गए भाई। 8:30 बज चुके ऑलरेडी। अब भाई थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, रात को 12 बजे तक तो ज़्यादा ठंड हो जाएगी। मैं अच्छा हुआ एक एक्स्ट्रा जैकेट ले आया, बाकी टोपी और ग्लव्स तो लेकर ही आया हूँ, पैक हो जाऊँगा पूरा, बीमार नहीं पड़ना। अभी तो 3-3.5 महीने लंबी ट्रिप बची है भाई। अभी तो कितने दिन हुए हमें इंडिया से, 27 को निकले थे ना हम, 27 से 31, 1 महीना 4 दिन हो चुके हैं अपने को। सही है, पता नहीं चला वैसे, पता है फील नहीं हुआ कि 1 महीने से ऊपर हो गया। ये आ गई है गाड़ी अपनी, ओ भाई सब मस्त आई है, चाइना की गाड़ी लेकिन कोई। चलो भाई तुम बैठो, मैं आगे बैठ रहा हूँ, आगे बैठेंगे भाई। नहीं आओ, चलो जी। फोन नंबर के लास्ट 4 डिजिट बता दी, OTP। गाड़ी देखना क्या मस्त लग रही है। ओए ओए, वो इन्होंने भी आयरन मैन का लगा रखा है मेरी तरह, देखो मैंने ब्लैक लगा रखा है बस। तो वही भाई, वहाँ तक पहुँचने में 40-45 मिनट लग ही जाएंगे अपने को ट्रैफिक की वजह से ना, वरना तो 7 किलोमीटर 8-10 मिनट का ही खेल होता है। भाई इतना खतरनाक जाम है, मैं तो कह रहा हूँ यहीं उतार दो, पैदल ही चले जाएंगे। बताओ 40 मिनट से बैठे हुए टैक्सी में, कसम से भाई इतना गंदा जाम नहीं देखा सही में। 900 मीटर बचा हुआ था, 900 मीटर के चक्कर में 25 मिनट से तो यहीं खड़े हैं इसी स्पॉट पे, ऐसे 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 चल रही है गाड़ियां जरा जरा सी। तो मैंने कहा 900 मीटर पैदल हम ही चले जाएंगे 10 मिनट में, तो भगते भगते हैं फालतू में बैठे बैठे गाड़ी में टाइम पास कर रहे थे। इधर चलते, इधर इधर हो लो, जल्दी हो जाओ, जल्दी इसी के बीच में से, जल्दी 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 सोन, जल्दी उड़ा देगी, बस उड़ा देगी हमें, जल्दी जल्दी। ये बात, ये हुई ना बात, वो तेरी उड़ा दिया भाई साहब। बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई, अब तो 10 बजे ही बताओ, 12 बजे मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि क्या हालत होगी यहाँ पे, ठुसम ठुस एकदम। भाई फ्रिज मैग्नेट मिल रहे हैं, ये वाला मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है, देखो शियान का ना, पोस्ट ऑफिस का, और ये भी काफी अच्छा है, कौन सा, दोनों ही ले लेते हैं। हाउ मच दिस इज फॉर 2 और 1? 2 2 18 के दो है एक है, दिस इज 2 36, ओके ओके यस, दे दो भाई 36। तो भाई 18 येन का एक है इंडिया के भाई, 220 रुपए का, तो ठीक ही है, दो ले लिए मैंने टोटल 36 युआन के। यही दोनों अच्छे लग रहे थे ना, बाकी तो एम ही है नॉर्मल से, सही है। चलो बैग में डाल लो बैग में। और ये देखो भाई माला मूला भी मिल रही है, माला नहीं मतलब हैंड वाले ब्रेसलेट, नो नो थैंक यू। भाई देखना क्या खतरनाक वाली भीड़ लगी पड़ी है, चलने की भी जगह नहीं है ढंग से, अभी तो 10 बजे है, सोचो 10 बजे ये हाल है, चेंज नहीं है, क्या क्या हो गया, चेंज नहीं है इनके पास, पता नहीं। अंकल जी तो मास्क लगा के घूम रहे हैं मस्त एकदम, दो कम है। और ये जितने भी लोग गुब्बारे लेके जा रहे हैं ना भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि 12 बजते ही ना ये सारे गुब्बारे उड़ा देंगे, क्योंकि ये हीलियम वाले गुब्बारे हैं, ऊपर देखो तो भाई देखने में मस्त ही नज़ारा होगा ना ऐसे जब गुब्बारे उड़ेंगे। चलो भाई रख लो, ओके सही है, ओके थैंक यू सिस। और बेल टावर देखो भाई, इस टाइम पे पूरा लाइट से जगमगा गया है भाई साहब, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, ओए होए होए। और भीड़ देख लो भाई, नेक्स्ट लेवल वाली हो रही है।
भाई साहब क्या मस्त चीज बना रखी है, ऐसे देखो ना रंग बिरंगी लाइटें, और ये देखो भाई मकड़िया डरावनी डरावनी सी है ना, क्रेजी। तो जैसे जैसे चलते जा रहे हैं ना भाई ज्यादा आगे आगे, इतनी यूनिक यूनिक चीजें दिख रही है भाई। ये देखो एकदम से सुपर अच्छा मार्केट की एंट्रेंस है ये, देख रहे हो भाई इन्होंने क्या प्लान बना रखा है कि बंदे घुसेंगे यूनिक चीज देखने के लिए और सीधा मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे शॉपिंग करेंगे। प्लान देख रहे हो भाई, चाइनीज लोगों का दिमाग है भाई, मार्केटिंग बाहर बढ़िया सा बना दिया मस्त एकदम, उसको लोग देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं और अंदर आ गए सीधा। हेलो, नो नो, पियो ट्राई करो ना, ना पियो ना, अरे पियो ट्राई करो, मेरी तरफ से पियो, चीयर्स, पता नहीं करो पियो, ये चमगादड़ का खून, पियो पियो, मीठा है, मीठा कफ सिरप, गुड, पता नहीं भाई कफ सिरप ना हो कहीं, बढ़िया है, इट्स गुड। ये देखो भाई दिस वन, ओ नो नो नो, ओके ओके, ये है भाई कोई चाय पत्ती टाइप की है, वो है पंखड़ियों सी, उसकी इन्होंने बना रखी है, अच्छी है, इट्स गुड गुड शेष, थैंक यू, शर्मा गई आंटी जी हमें देख के हैं। ये देखो भाई गुड्डा गुड्डी मिल रहे हैं यहाँ पे मस्त, तो हन ले लो अपने बच्चों के लिए, हैं लोगे? चलो जी देख रहा हूँ कुछ ढंग का मिल जाए तो। ओ ये अच्छा है, फ्रिज मैगनेट है ना भाई, मेरे को तो मैगनेट जहाँ दिख जाए ना मेरे तो पसंद से आने लग जाते हैं धीरे धीरे। सोहन क्या बोल रही है, आर यू एन इंटरनेट, यस ही इज अ बिग सेलिब्रिटी, हिज नेम इज सलमान खान, यू नो सलमान खान, ओके चलो भाई। हाँ तो क्या ले, ये अच्छा लग रहा है ना, पता नहीं कितने का, 11 युआन लग रहा है मुझे तो शायद, इतना महंगा, हाँ सही तो है 11 युआन। से हेलो, से हेलो, से हेलो, चाइना में छोटे सब्सक्राइबर मिल गए अपने को, ओके बाय। तो एक ये वाला ले रहा हूँ भाई मैं, कहाँ गए वो, हैली दिस वन, वन यस, दो पे ही पे करो। ये है भाई 25 युआन, 25 दे दो, 25 युआन मतलब हो गए भाई 300 रुपये के आसपास, तो सही है। ओ डब्बे में डाल के दे रहे हैं तो भाई मस्त एकदम, यहाँ भी ना स्टाफ ज़्यादातर लड़कियों का ही है भाई, लड़के बहुत कम है। ये देखो काफ़ी सारे हैं इनके पास मैग्नेट्स ना, एक मेरे को वही अच्छा लगा ये वाला, तो ये ले लिया मैंने। बाकी ये देखो भाई बास्केटबॉल प्लेयर्स के वो भी है छोटे छोटे से ना, मस्त लग रहे हैं ना एकदम, आगे उधर करवाने हैं। ओ ओके ओके ओके, चलो भाई पे कर दो वहाँ पे, तो इन्होंने पर्ची सी बना दिया बस, यहाँ पे जाके अब पैसा दे देना। देख रहे हो मतलब हम भी भाई अंदर घुसे और हमने खरीद ही लिया, तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। वो ये भी अच्छा लग रहा है टेबल के लिए, है ना, ये यहाँ का अपना बेल टावर है और ये पगोडा है, ये भी काफी फेमस है। दिस इज हाउ मच, 79, हाउ मच दिस वन, 79 भाई, 79 का है ये तो, 80 मतलब 1000 रुपए का, पर है लाइट वाला, देखना छोड़ो यार ज्यादा महंगा है ना, बढ़िया बढ़िया लग रहा है पर महंगा है थोड़ा सा। आइटमें तो भाई काफी सारी है इनके पास, देखो वो लेते हैं भाई मेटल वाला कुछ ना ढंग का, ओके थैंक यू। ये देखो यहाँ पे ये है भाई साहब, कितने का ये, 269, 3000 रुपए का, भाई क्रेजी यार क्रेजी। ये देखो पूरे छोटे छोटे भी है यहाँ पे, बट छोटे का मजा नहीं है भाई, बड़े वाले ही लेने का फायदा। हेलो निहाओ निहाओ, ये ले लूं, कितना मस्त लग रहा है ना ये देखना, ये पूरा का पूरा भाई भारी है काफी। दिस इज हाउ मच, हाउ मच, 269, ओ भाई साहब अच्छा लग रहा है, लग तो बढ़िया रहा यार पर महंगा है, 3.5 का हो गया, 3 से ज्यादा, ओके थैंक यू। से और देखते हैं भाई कुछ ढंग का मिलता है कि नहीं। ये अलग अलग शॉप्स बना रखे छोटी छोटी और हर शॉप पे एक बंदा बैठा हुआ, बंदा या बंदी, और वो ही सेल कर रहे हैं भाई, तो हर चीज मिल जाएगी, देखना कितना बड़ा है भाई, पूरी भीड़ लगी पड़ी। और ये सब लोगों को धोखे से लाया गया है इनको वो मस्त सी चीजें दिखा के, मकड़िया दिखा के और अंदर लाया गया, और कुछ ना कुछ कोई ना कोई खरीद ही रहा है भाई उस चक्कर में ना, मुझे लगा कुछ होगा भाई बना रखा है, पर ये तो दुकान की एंट्रेंस थी, बट अच्छी स्ट्रेटजी है भाई, बनानी चाहिए ऐसे ही। चले बाहर चले, ओके थैंक यू भाई। निकले थे भाई मुस्लिम मार्केट घूमने और पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं अलग अलग जगहों पे, ना ना बहुत हो गया, चलो अब चलो भाई मुस्लिम मार्केट देखनी है। ये देखो इस तरह की गुफा बना रखी है इन्होंने, ये बिचारों को क्या पता कि अभी ये एक मार्केट में घुसने वाले हैं जहाँ पर हो सकता है ये कुछ खरीद भी ले, मतलब जबरदस्ती नहीं है कोई भाई, बट ऑब्वियसली बात है इतनी चीजें देख के बंदों का मन फिसल ही जाता है लेने के लिए। यहाँ चाइना में ना भाई बबल टी बहुत फेमस है, देखना कितनी लंबी लाइन लगी हुई है बबल टी के लिए, वो होती है बबल टी देखो, ये काले काले से डाल रखे होते हैं इसमें, मैंने भी पी थी लहासा में शायद से, मैंगो वाली टेस्टी तो थी काफी भाई, नो डाउट।
इसलिए इतनी भीड़ भी है देख लो। बस पहुंच ही गए भाई मुस्लिम स्ट्रीट, जो अपना बेल टावर था ना वहाँ से हार्डली 400 मीटर है। और ये देखो ये भी पूरी की पूरी भाई गिफ्ट शॉप है, आप यहाँ से भी खरीद सकते हो चीजें, और फ्रिज मैग्नेट इनके पास भी भाई काफी सारी वैरायटी है। एंड लो भाई मुस्लिम स्ट्रीट शुरू हो गई है, यहाँ से खाने की आइटम है देख लो। क्या ये ऑक्टोपस है ना, मेरे ख्याल से तो ऑक्टोपस लग रहा है भाई, पता नहीं बाकी। हेलो, ओ जूसेस भी मिल रहे हैं भाई, अनार का जूस मिल रहा है देखो। हेलो, वन ग्लास, वन यस वन अनार का जूस पी लेते हैं भाई, ये तो पी सकते हैं ना। हाउ मच 10 दे दो भाई 10। लो भाई ये आ गया अपना अनार का जूस, मस्त वाला एकदम, 10 yuan 120 रुपए का, मस्त है भाई, है काफी मीठा। इन्होंने मुझे लग रहा है अलग से भी मीठा मिलाया हुआ है, बट 120 रुपए का है उस हिसाब से तो ठीक लग रहा है। ये देखो भाई शायद से वो है, ये अपना डेट्स या फिर पता नहीं जामुन टाइप का कुछ, और उसको सूप में डुबो रखा है इस तरह से। और यहाँ पे भी देखो काफी चीजें मिल रही है भाई, वो कोयला बेट देखना, ऐसे नहीं लग रहा कोयला है भाई ये काला काला, और ये खाने की चीज है और लोग खुद ही बाउल में भर रहे हैं और फिर पे कर रहे हैं। मेंढक? मेंढक है, मेंढक जैसा ही लग रहा है। मेंढक तो नहीं है, ये मीट नहीं है, ये कुछ वैसी है वैसे है शायद, बट हम नहीं खा रहे भाई। चलो जूस बढ़िया भाई, मजेदार, यहाँ तो यही है। अगर कुछ ढंग का ना मिले तो फ्रूट्स तो मिल जाते हैं और उनका जूस मिल जाता है। देखो भाई ये पूरी मार्केट है और ऐसी ना बहुत सारी लंबी लंबी गलियां बनी हुई है और सारी फूड की है। ये देखो भाई सारा ये फूड ही फूड मिल रहा है, और ये मोमोज टाइप की कुछ तो आइटम है यहाँ पे देखो, पर किस चीज के मोमोज आई डोंट नो भाई, वेज है नॉन वेज है पता नहीं भाई। पनियारम जैसा कुछ तो मिल रहा है, देखो अपने इंडिया में मिलता है ना, साउथ इंडियन डिश है, अप्पे भी बोलते हैं अप्पे या पनियारम, पर अब ये वेज है या नो, दिस इज वेज और नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, दिस इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, चुप दो, स्पीक चाइनीज, नो आई डोंट नो चाइनीज, नो आई भाई साहब कह रहे चाइनीज बोलो, मैंने कहा आती नहीं चाइनीज, कह रहा मेरे को इंग्लिश नहीं आती, सबका हाथ तंग है भाई यहाँ पे। हेलो, यहाँ भी देखो भाई जूस मिल रहा है, और ये सूप सा मिल रहा है जो वहाँ मिल रहा था, अनार देखना कितना बड़ा बड़ा दान है भाई। ओ ये भाई बहुत फेमस है यहाँ की, चावल से बनी होती है ये खाओगे ना बहुत टेस्टी होती है। अबे चावल की है, मैंने यूट्यूब पे देखी है भाई। अच्छा एक लेते हैं, वन दिस वन हाउ मच, 10 लाओ, दो 10 का निकाल लो, ये भी 10 का भाई 120 रुपए। ये चावल से बनी होती है और यहाँ की स्वीट डिश है आप समझ लो। देखो लो भाई वन हाँ बढ़िया है, वेट क्या बोल रहे हैं, नो वी वांट ओनली थ्री, वन थ्री, अरे भाई 10 के 3 है ये, इतने सारे क्या करेंगे, खाओ भाई, अरे छोटे एक पकड़ो ना, एक तो पकड़ो भाई साहब, इतने 120 रुपए के क्या करेंगे, इतनों का मैं, टू ओनली टू 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 खाने ही टू है कैसा है, अरे मीठा तो है ही नहीं है, मैं बोल रहा था चीनी लगानी थी, मैं लगाना भूल गया ना, ज्यादा मीठा नहीं है, फीका फीका सा है, टेस्टी है लेकिन। ये टमाटर का बना रखा है मुझे लग रहा है, है ना? आ जा रहा आसा। नहीं हो, नहीं हो। ये देखो भाई आइसक्रीम भी मिल रही है यहाँ पे काफी अलग अलग वैरायटी की, और ये ना जो आप बीकर सा देख रहे हो ये ना बैम्बू का वो है, तो बैम्बू के उसको खाली करके उसमें जो है ये पूरा का पूरा आइसक्रीम आपको सर्व की जाती है इस तरह से। तो देखो वोफल वाली भी आइसक्रीम भाई मस्त है ना, एकदम तगड़ा लग रहा है आइसक्रीम यार। वही बात है, मन तो बहुत है पर ट्राई करने में ना थोड़ा डर लग रहा है कि गला ना खराब हो जाए, तो इसलिए मैं खा नहीं रहा हूँ। ये क्या मिल रहा है भाई, केक है क्या ये, निहाओ निहाओ देख रहे हो कितने प्यारे लोग हैं भाई, मस्त ऐसे स्माइल कर रहे हैं हर चीज पे। ओ भाई ये क्या है, अजीब अजीब सी चीज है, समझ ही नहीं आ रही, देखना ये पानी के अंदर, निहाओ पता नहीं भाई क्या क्या बेच रहे हैं यहाँ पे। तो सही में ये जड़ी बूटियां भी मिल रही है भाई, देख लो इस तरह की आप जड़ी, निहाओ जो दिखे भाई सबको निहाओ निहाओ बोलते रहो, मस्त स्माइल पास करेंगे सब। और ये क्या है, ओ भाई ये देखना कितना मस्त है, ड्रैगन में से ऐसे धुआं सा निकल रहा है, ये देखो ओए होए गजब। ये भी वही है भाई, कोई रेस्टोरेंट या कुछ है जिसकी एंट्रेंस ऐसी बना रखी है जिसको देख के लोग अंदर जा रहे हैं और फिर अपना वही खाना वाना खाओ, है ना, मस्त लग रहा है लेकिन देखना क्या क्रेजी है भाई, ओए होए होए मजेदार, देखते हैं अंदर क्या होता। और ये देखो भाई मक्के का पापड़ मिल रहे हैं सारे कोन के, तो अलग अलग तरह के है भाई, बारबेक्यू भी है कोई अलग है, निहाओ। देखो वैसे तो इनकी शक्लें ना भाई बड़ी सीरियस सी लगती है जब ये खड़े होते हैं,
लेकिन जैसे इनको निया बोलो ना स्माइल आई जाती है। अरे भाई पेड़े मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना, पेड़े नहीं लग रहे। अरे इंडिया में पेड़े लग, क्या पेड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं, निहाओ निहाओ। ये देखो भाई इस तरह का है कुछ, मिठाई है। हाँ ये तो है, पर किस चीज की है मिठाई ये नहीं पता। कुछ ही रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे ना अंदर सिटिंग बनी हुई है, वैसे सारा कुछ जो है वो स्ट्रीट फूड ही है आपको एक तरह से दिखेगा। तो ये देखो अपना उठाओ और चलते बनो खाते जाओ। ये देखो भाई टिक्की, आलू की टिक्की मिल रही है, आलू की नहीं है, आलू की होती तो हम खा लेते हैं पर कुछ और ही लग रही है। तो ये देखो भाई यहाँ पे हर तरह का मीट, ये आलू है, आलू ये जिसको वेज खाना है ये खा सकता है, बाकी आप देख लो भाई सारा का सारा नॉन वेज ही है यहाँ पे। ऑक्टोपस बहुत लोग खा रहे हैं भाई यहाँ पे, पता नहीं कैसे खा लेते, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा ऐसा, मतलब गिलगिला सा नहीं होता होगा गले में, निकलेगा कैसे कोई। और सबसे ज्यादा ऑक्टोपस ही दिख रहे हैं और बिक भी रहे हैं सबसे ज्यादा। ये देख लो भाई ये सारे के सारे ऑक्टोपस ही है, जितने आपको ऑरेंज ऑरेंज दिख रहे हैं ना, और सबके सब यही खा रहे हैं भाई, फ्राइड ऑक्टोपस ऐसे कच 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 करके। बताओ नारियल पानी मिल रहा है शायद से, नारियल या नहीं, है ना, नारियल का है भाई ये, बढ़िया लग रहा है। तो एक गिलास ये ले लेते हैं, देखो है तो नारियल का ही। क्या ये, अरे हाँ कुछ तो फुला रखा है भाई ये, पता नहीं। वो देखो भाई अंकल काट रहे हैं और उसमें से फिर निकालेंगे रस, और मेरे को लग रहा है ये ना कुछ शेक वेक बना रहे हैं इसका, क्योंकि नारियल का पानी इतना गाढ़ा तो नहीं होता कभी भी, जैसे आपको ये गिलास दिख रहा ना ये तो दूध की तरह लग रहा है पूरा। ट्राई करते हैं कैसा है, मलाई वाला है नारियल देखना। ओए अरे हाँ ये मलाई की तरह नहीं है, देखना मलाई निकल रही है भाई उसके अंदर से। ये देखो भाई पूरी गेंद की तरह है ना, ये मेरे ख्याल से उसका है, कौन का या आलू का वेज है ये, नहीं हाओ पटेटो, आलू 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 पटेटो आलू, यस आलू है भाई ये रहा। क्या चीज है भाई ये, गुब्बारे जैसा है कुछ तो है, एक्सक्यूज मी ये वाला लेंगे भाई हम, दिस वन 10 15 10 निकाल के देखो क्या कह रहे हैं। दिस इज कोकोनट, कोकोनट हाँ 15 15 का है भाई, ये वाला 15 का है, ये 25 का है, ये बड़ा वाला 35 का है। तो हम तो ये गिलास ही ले लेंगे, गिलास ही सही है, होपफुली अच्छा हो। दिस वन आओ जी आओ, ओ भाई बहुत टेस्टी है। तो नारियल पानी और समझ लो मलाई को ना पूरा मिक्स करके गाढ़ा कर दिया है, पी के देखो मजाक नहीं कर रहा, बहुत टेस्टी है, मजाक नहीं, एक गुट पी के देख लो, सही कह रहा हूँ, पियो एक्चुअल में इतना टेस्टी है ना, तुम कहोगे क्या चीज बना दी है। पियो पियो एक और गिलास ले लेंगे फिर, है तगड़ा नहीं है, बढ़िया, पर मुझे बढ़िया तो है बट इसको पीना नहीं है। गजब भाई गजब, एक नंबर यार, ये आलू देख के ना मन सा तो हो गया है। एक प्लेट ले ले, कितने की है, 15 की है, 10 वाली ले लेते हैं, 10 वाली, 1 प्लेट, 10 10 10। यहाँ पे 10 युआन को ना ऐसे बोलते हैं, तो अगर कोई यूं करे ना समझ लो 10 युआन, 10 10 युआन 15 ओके 15 का है, लाओ भाई 15 दो। ये देखो भाई चटपटे आलू, आ हा हा, जितनी वेज चीज, जितनी वेज चीजें मिलेगी ना आज इस मार्केट में सारी पेट में घुसा दूंगा अपने और तुम्हारे, आज देखते जाओ बस अब तुम। सारे पैसे खत्म कर कंगाल कर दिया तुम्हें। लो भाई साथ में नारियल पानी और चटपटे पटेटोज, ट्राई करते हैं, स्मेल तो अच्छी आ रही है। गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू, मस्त है यार, आलू खा के देखो। ओए होए आप खाओ, मैं तो फुल हूं। हां खा हां, क्या बोल रहे हैं, इंडिया से आते हैं खाने हमारे पास है तब। अबे खाने का वेस्टेज है, अरे बहुत गर्म है, मजा आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, स्वादिष्ट है भाई, बड़ा स्वादिष्ट है, उठा लो। और यहाँ पे ना ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ना चाइना की, वो भाई ये नान बहुत खाती है, यहाँ पे नान बोलते हैं इनको भी। तो अपने इंडिया में नान थोड़ा अलग होता है, बट काइंड ऑफ आप समझ लो रोटी है, रोटी या पिज्जा जैसा लगता है भाई ये, इसमें अलग अलग चीजें मिली होती है, तो आप बिना सब्जी के भी खा सकते हो। जैसे कि इसमें देखो गेहूं मिला हुआ है, शायद पता नहीं क्या मिला है, ये कुछ अलग टाइप का है भाई, ये अलग है, तिल है वो, तिल डला हुआ है उसमें, हाँ इसमें भी तिल डला हुआ है। तो काफी अलग अलग वैरायटी के नान मिल जाते हैं आपको, ये भी आप खरीद के खा सकते हो बढ़िया। तो ये काफी जगहों पे दुकान नहीं है इस। ओ भाई बेकरी मिल गई यहाँ पे, देखो पेस्ट्रीज वगैरह, निहाओ निहाओ निहाओ, ये देखो भाई चॉकलेट वाली स्ट्रॉबेरी वाली, काफी अलग अलग तरह की है, ट्राई करो कर लो, ये बोल रहे ट्राई करो, मुझे तो नहीं करनी भाई। और ये देखो इस तरह के भी ये चीजें मिल रही है भाई, काफी सारी, काफी वैरायटी है भाई, काफी वैरायटी, बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पे, यूनिक यूनिक सा ना। ये देखो पेड़े बना रहे हैं भाई इसका, पाउडर का लड्डू जैसा,
भाई देख रहे हो भाई चाइना आए हैं, यहाँ की पंखुड़िया भी ले लेते हैं। ये पंखा सा होता है ना टेबल पे रखने के लिए, हवा तो नहीं करूंगा इससे ऑब्वियसली, बट खरीद लेते हैं, काफी सारी चीजें हैं इनके पास। निहाओ निहाओ दिस दिस हाउ मच। तो भाई ले लिया पंखा, अंकल जी ने तो वीडियो बनाने नहीं दी अंदर। 38 yuan का है, यानी कि 5.5 रुपए का। तो ये देखो भाई इस तरह से है ये, तो अपना ये टेबल वेबल में रख देंगे, मस्त लगेगा, है ना, शो पीस की तरह। और एज अ सोविनियर भी हो गया अपने लिए। देखो भाई अभी हम इस तरफ से आए हैं, अब ये वाली एक और स्ट्रीट है जो बिल्कुल एंड तक है भाई, देख रहे हो सारी दुकानें ही दुकानें, और सेम टू सेम ये वाली रोड भी चल रही है एंड तक वहाँ पे। एक्चुअल में भाई ये बहुत बड़ी मार्केट है, ऐसी 4-5 गली आया अलग अलग, जो मेरे ख्याल से भाई कम से कम 700-800 मीटर की एक गली है। और सोच लो 5 गली है तो कितनी ही दुकानें होगी और कितना ही वैरायटी का खाना मिल रहा है यहाँ पे। ये देखो भाई साहब दांत के समेत रख रखा है, इतना बड़ा क्या है ये, बकरा है क्या है ये, ना बकरा है शायद, लग तो रहा है बकरा ही लग रहा है भाई मुझे भी। देखो दांत वांत सब है भाई साहब के पूरे। तो भाई मैं तो नहीं खा रहा, आइसक्रीम सोहन को खानी है। तो कौन सी लोग है बताओ, बैम्बू वाली लो, वही है यहाँ की यूनिक इसमें जो है। हेलो निहाओ 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 इंडिया हिंदू ले लो, ये वाली लो बी बीकर वाली। यहाँ पे देखो मम्मी से वीडियो कॉल चल रही है, हाँ यही वाली लो ना, ये फेमस है। हेलो इंडिया इंडिया हिंदुस्तान हिंदुस्तान यस। लो जी दिस वन कौन सी, चॉकलेट के साथ कोई सही रहे या विद चॉकलेट, चॉकलेट दिस वन ओके। हाउ मच 20 ओके 20 दे दो, 20 युआन का है, मतलब कि भाई 240 रुपए की है, बट काफी फेमस है, मैंने बहुत सुना है ये बैम्बू के इसमें बेचते हैं ना। मैंने कहा ट्राई तो खाऊंगा तो नहीं, बट ले तो लेते ही है, सोहन खा रहा है कह रहा। सही में भाई यहाँ के अनार के दाने देखो कितने मोटे मोटे से, और ऐसी मशीन में से जूस निकाल रहे हैं ये जो हमने पिया था ना। और ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है भाई, ये वोफल का बेस है, देखना वोफल के बेस में आइसक्रीम डाल रखी है, बाकी पता नहीं। वो देखो भाई रेडी कर रहे हैं हमारी आइसक्रीम, वो ये नकली है क्या है, अरे हाँ नकली है भाई, ये प्लास्टिक की है, मुझे लगा असली रख रखी है इन्होंने, वही तो वरना पिघल ना जाती, तो नकली है। Yeah, this is nakli. Yes. Hello. Happy New Year. You are from Xi'an? Yeah. Okay. ये तो उस दिन वाला सीन हो गया। क्या? This is अलग कंट्री. लो जी लो आ गई है अपनी बड्डी सी आइसक्रीम। लो भाई खाओ। आपको खानी है? थोड़ी सी तो ट्राई करता हूँ कैसी है टेस्ट के लिए बस। ये बढ़िया है कि चम्मच दे रही है? टेस्ट तो बढ़िया भाई, बस यार ज़्यादा नहीं खाऊंगा, गला ना मेरे टोनसिल्स आ जाते हैं बहुत जल्दी, मैं ट्रिप ख़राब नहीं करना चाहता। सही है खा लोगे पूरा? बढ़िया है सर। खाओ फिर, चलो बढ़िया। अब देखो भाई पास से ऑक्टोपस कैसे लग रहे हैं, और यहाँ पे देखो अलग अलग तरह के जीव हैं जो मुझे नाम तो नहीं पता, बट काफ़ी सारे हैं ये देखो, तल रहे हैं सारे के सारे। भाई साहब क्या क्या बेच रहे हैं भाई यहाँ पे, तो हैं अलग ही सीन चल रहा है। चलो चलो ठीक है भाई, मतलब हम देख तो सकते हैं, देखने में क्या है, अब आए हैं किसी कंट्री में एक्सपीरियंस तो ले ही सकते हैं, और आपको भी दिखा सकते हैं, ना हम खा रहे हैं ना आप खा पाओगे वीडियो कॉल कह रहा हूँ वीडियो के थ्रू। सेकंड वाली गली में घुस गए भाई, यहाँ भी भीड़म भीड़ हो रही है, खाने की दुकानों के बीच में थोड़ी थोड़ी ऐसे गिफ्ट शॉप भी आ रही है इस तरह की। ये देख लो भाई यहाँ पे भी काफी आइटमें मिल रही है। निहाओ हेलो। ओ भाई साहब इस वाली जगह पे तो बहुत ज्यादा बदबू आ रही है अजीब सी। ओए होए होए नीस आ जा रहा भाई, निकलो बाहर यहाँ से। ये देखो भाई मोमोज भी मिल रहे हैं इनके यहाँ पे, बट वही है कौन से मोमोज है पता नहीं हमें, उठ पटांग से। निहाओ पूरी मार्केट में भाई एक हम ही फॉरेनर है, सारे के सारे यहीं के लोकल लोग हैं, चाइना के, मतलब इंडियन तो दूर की बात है, दूसरी कंट्री के फॉरेनर भी नहीं मिल रहे हमें जल्दी से यहाँ पे। हाँ तो वही तो था जो हमने पिया। ये देखो भाई यहाँ पे भी वो वाली है गेम, गन के छर्रों से गुब्बारे फोड़ने होते हैं, 30 yuan यानी कि 360 रुपए। ट्राई करते हैं, यस वी वांट टू ट्राई दिस 30 दे दो 30 yuan पर राउंड, तो मेरे ख्याल कितने छर्रे होंगे यार राउंड में पता नहीं, दे दो 30 दे दो इन्हें। बहुत दिन हो गए भाई ट्राई करे हुए, मन सा कर रहा है ना कर लेते हैं, अगर सारे फोड़ दोगे तो कुछ गिफ्ट विफ्ट भी रखे हुए इन्होंने, ये देखो की रिंग्स और टेडी बियर, बट हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें तो एक्सपीरियंस से मतलब है भाई। हाउ मच? अच्छा ये सारे है भाई राउंड, ओके
तो ये सारे राउंड एक बार में लगाते हैं इसमें। ओके अब बजाऊंगा मैं। तो यहाँ तो ये प्लास्टिक वाली गन सी है। यस यस ओ ओके दिस वन लो जी। हाँ बीच वाले पे चलो। नहीं लगा मेरे को? नहीं लग रहा भाई इन्होंने कुछ कर रखा है लफड़ा। यू ट्राई नहीं फूट रहा भाई ये तो रिटर्न बैक हो रहा है। लो भाई अब ये फोड़ के दिखाएंगे फूटता है कि नहीं। नहीं फूट रहा भाई एक भी नहीं फूटेगा देखना। नहीं फूटेगा इन्होंने कुछ कर रखा है गुब्बारे में। फूटा है? नहीं फूट रहा ना लफड़ा है भाई कुछ नहीं फूट रहा। इन्होंने कुछ करा है पक्की बात है। दिखाओ इन्हें वापिस से भाई एक और राउंड दे रहे हैं हमें ये एक्स्ट्रा फ्री में आई होप पैसे ना ले। ट्राई लो भाई। ओ देखा भाई फोड़ दिया मैंने। क्या बात है बेटे। अबे इस वाले से फूट रहे हैं सारे हैं। अब नहीं फूट रहे जब वो फोड़ रहे थे तभी मेरे भी फूटने लग रहे थे। ये देखो अबे मेरे पास ही आ गई भाई गोली। भाई देखने के लिए लोग आ गए देख रहे हो भाई भीड़म भीड़ हो गई है मेरी शूटिंग देखने के लिए। पॉपुलर हो गया मैं चाइना में। ओए होए इतना रिवर्स होके आ रही है भाई तेज किसी के गोली लग जाए फिर कितनी है खत्म ही ना होके देरी। पता है क्या हल्की सी ना गोली नीचे की तरफ डिप मार रही है थोड़ा सा एंगल माउस बैक, माउस बैक। अरे ये ज्यादा नहीं डाल दी इन्होंने गोलियां। ओके थैंक यू। नो नो कह रहे गिफ्ट ले लो मैंने कहा नहीं गिफ्ट नहीं चाहिए कोई नहीं थैंक यू। भाई ने एक राउंड एक्स्ट्रा दे दिया उतने ही पैसों में है तो और क्या चाहिए भाई। ओ भाई साहब गन्ने का भी जूस मिल रहा है यहाँ पे और गन्ना देखना कितना मोटा है। अजीब सा नहीं लग रहा गन्ना भाई बैम्बू लग रहा है तो गन्ने की जगह। और इस तरह की मशीन है ये नहीं हाँ इस तरह की मशीन है यहाँ से जूस निकलता है भाई। इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खा लिया ना पेट ज्यादा भरा हुआ है भाई तो इसलिए अब नहीं हिम्मत हो रही। और ये देखो इस तरह के टेस्टर भी देते रहते हैं पूरे रास्ते में कि ट्राई करते रहो। मतलब अगर आप एक बार स्ट्रीट पे आ गए ना भाई पूरे रास्ते फ्री में खाते जाओगे कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहता है। एक्चुअल में सब लोग हमें ही देखे जा रहे हैं भाई हर तरफ से हर मतलब जिधर भी देखो हमें ही देख रहे हैं कि हम कहाँ से आए हैं भाई ऐसे कौन लोग हैं कैमरा लेके घूम रहे हैं मार्केट में। और ये देखो भाई सिगरेट विगरेट भी आपको लेनी हो यहीं पर रोड पर मिल जाती है इस तरह से। अरे हो जा भाई फोकस हो। हाँ ये देखो ओ भाई देख रहे हो फेमस हो गया भाई फेमस मैं चाइना में देख रहे हो हैं चलते फिरते लोंडे लोंडिया मेरे साथ फोटो ले रही है भाई फेमस हो गया मैं फेमस टिकटॉक के स्टार हूं इसलिए। यस मैं टिकटॉक का सबसे बड़ा सुपरस्टार हूं चाइना में। मेरा एक सीक्रेट अकाउंट है जिससे मैं ऐसे छमक छल्लो वाली वीडियोस बनाता हूं। VPN लगा गया हो सकता है वो मुझे फैजू भाई समझ रहे हो कि फैजू भाई आ गए इंडिया से। अनमोल भाई ठीक है क्या भाई साहब सोचो कोई चाइना में बोले वो एल्विस भाई वाला डायलॉग है एल्विस भाई ऐसे चाइनीज में मजा आ जाएगा भाई। भाई साहब खाने की आइटम है खत्म ही नहीं हो रही जितना आगे जा रहे हैं कुछ कुछ नया नया दिख रहा है। ये देखो पता नहीं क्या भाई ये शेल के अंदर कुछ चाउमीन सा फलूदा सा बांट रहे है। निहाओ ये देखो भाई यहाँ पे भी बिख रहा है कुछ ना कुछ। हेलो क्या बना रहे है भाई साहब पानी सा व्हाट्स दिस पूछी वी वॉन्ट पूछी ये है भाई इतने सारे फल फूल जो ये जूस की तरह निकाल रहे पता नहीं क्या। ओके निहाओ ये देख लो भाई पूरा का पूरा हेड रख रखा है यहाँ पे भी जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था। निहाओ भाई खत्म ही नहीं होगी देरी यार स्ट्रीट चले जा रहे हैं भाई साहब देखना वो आगे तक है बहुत लंबी स्ट्रीट है चलते चलते आप थक जाओगे बट पूरी मार्केट नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे इतनी बड़ी है ये। तो ऑलमोस्ट भाई 11:40 हो चुके हैं 20 मिनट रह गए हैं न्यू ईयर शुरू होने में तो मैं सोच रहा हूँ उसी स्क्वायर पे चलते हैं जहाँ पे वो बेल टावर था क्योंकि वहीं पे ही नज़ारे देखने को मिलेंगे न्यू ईयर के। हेलो देख रहे हो चलते चलते हेलो हाय भाई मस्त लोग मज़ा आ गया चाइना आके मुझे सही में। ये भाई साहब करतब दिखा रहे हैं ये देखो जैसे बोलेंगे अपने आप नाच रहा है भाई वो हों और देखना ये कैसे हो रहा है भाई समझ नहीं आ रहा कैसे। अरे मारो मत अंकल जी कौन कंट्रोल कर रहा है इसको ये देखो वो बोल रहे हैं डांस तो भाई डांस कर रहा है वो ये देखो कोई कंट्रोल नहीं कर रहा भाई रस्सी वस्सी कहीं दिख रही है आपको कुछ भी नहीं है बस ये जो व्हाट चाइनीज कुंफू ओके भाई चाइनीज कुंफू कर रहे हैं भाई साहब बट हो कैसे रहा ये मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ गजब यार गजब अलग ही टेक्नोलॉजी है क्या ये कुछ है जादू टोना चल रहा है यहाँ पे कैसे हो रहा है यार है ही नहीं धागा वागा तो कुछ नहीं है या तो ये हो सकते हैं जो कुछ इन्होंने लाइट सी लगा रखी है ना इससे पर ये देखो हम नया पैकेट खोलेंगे नया पैकेट भी करेगा वहाँ पे ऐसी ये देखो बोल ले अरे कैसे हो रहा है ये
क्या हो रहा है? अच्छा हाँ सही बात है, उस लाइट के नीचे ही हो रहा है ये, कुछ ना कुछ यहाँ पे नहीं होगा मेरे ख्याल से। है भाई कुछ तो है, लोग देखना भीड़ लगा रखी है लोगों ने, समझ नहीं आ रहा किसी को भी क्या चल रहा है, हमें भी नहीं समझ आ रहा क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। गुड गुड गुड, नचाओ, स्टॉप, किल किल हिम किल हिम। कुछ तो कर रहे हैं ना, पता नहीं भाई बोतल में से कर रहे हैं या पैरों के नीचे से कर रहे हैं, पर कुछ तो हो रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा मुझे तो। लेकिन छोड़ो भाई, जो भी अच्छी आर्ट है मजेदार, लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं वही बड़ी बात है। काफी दुकानें तो भाई बंद भी होनी शुरू हो गई है और काफी हो भी चुकी है, ये देखो लेफ्ट में। बेस्ट टाइम है आप ना 8 बजे के आसपास आओ यहाँ पे और अपना 10 बजे तक घूमो, क्योंकि 10 के बाद फिर दुकानें बंद होनी शुरू हो रही है। अब 10 तो आप क्या 12 बजने वाले हैं भाई, और मेरे को लग रहा है 12 बजे तक भी न्यू ईयर की वजह से हो सकता है खुली हो, वैसे 10-10:30 बजे बंद हो जाती है, तो इसलिए देख के। इतनी पीने वाली चीजें, इतनी भाई पीने वाली चीजें पी ली ना कि अब सुसु आ रहा बड़ी तेज, बट पब्लिक टॉयलेट मिल गया। ये रहा सामने भाई, तो अभी सोहन गया हुआ है, वो आएगा फिर मैं जाऊँगा, कैमरा पकड़ लेगा ना वो भारी, और फिर मैं करके आ जाऊँगा। जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, 15 मिनट ही बचे हैं न्यू ईयर के लिए। आई होप यहाँ पे भी वो काउंट डाउन हो और लोग चिल्लाए हैप्पी न्यू ईयर, मतलब हैप्पी न्यू ईयर तो नहीं, लोग चाइनीज़ में बोलेंगे बट हम बोल देंगे हैप्पी न्यू ईयर या फिर नए साल की शुभकामनाएं। भाई 6 मिनट रह गए न्यू ईयर शुरू होने में और अभी हम 700 मीटर दूर है, सब लोग भाग रहे हैं भाई उधर की तरफ, आओ जल्दी आओ, लेट्स गो। भाई जस्ट टाइम पे पहुंचे हैं, सिर्फ 1 मिनट रहता है और फाइनली पहुंच ही गए आज। तो भाई लोग कुछ ही सेकंड्स बस न्यू ईयर शुरू होने में, टाइम आप देख सकते हो 23:59 हो गए हैं, लेट्स सी। और हो गया क्या? इधर इधर। ओए भाई हो गए, हैप्पी न्यू ईयर, ओ हो गया भाई हो गया। ओ भाई साहब आसमान देखो क्या क्रेजी हो रहा है भाई, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को भाई, सबको हैप्पी न्यू ईयर। फाइनली हम ही एक लौते लोग हैं जो हैं इंग्लिश में बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, सब लोग चाइनीज में बोल रहे हैं, बट इतना चिल्ला नहीं रहे। ओ भाई देखना ये देखो, क्रेजी भाई क्रेजी, खतरनाक वाले, ओए होए होए भाई यार। और सामने वो देखो कितना मस्त लग रहा है, पूरा आसमान देखो, वाइड एंगल पे दिखाऊं, ये देखो ये सारे गुब्बारे हैं भाई, लिटरली सारे के सारे, हो तेरी क्रेजी सीन भाई, क्रेजी है, तगड़ा है, है। हाँ और पुलिस वुलिस भी भाई पूरी आई हुई है सेफ्टी के लिए ना, बस इसमें भर भर के। ये देखो भाई ज्यादा चिल्लाया नहीं यहाँ पे किसी ने, अभी हम इंडिया में होते भाई इतनी तेज आवाज आती चांद तक चली जाती आवाज हैप्पी न्यू ईयर की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम ही चिल्लाया लोगों ने, ऊपर से माइक मेरा है। ओ! अब चिल्ला रहे हैं सब, क्रेजी भाई क्रेजी, मजा आ गया। ओए होए भीड़ देख रहे हो भाई, और बिल्कुल भी ना धक्का मुक्की नहीं है, हगड़दम वो मतलब क्या कहते हैं उसे, हड़दम नहीं मच रहा, बिल्कुल शांति से लोग खड़े अपनी अपनी जगहों पे। एंड ऊपर वीडियो देखो भाई क्या लग रहा है यार, देखो भीड़ देखो, 360 डिग्री दिखाता हूँ आपको, तगड़ी भीड़ है ये देखो, क्रेजी भाई क्रेजी, बहुत ज़्यादा भीड़ है, खतरनाक लेवल भरे पड़े हैं। मेरे हिसाब से कम नहीं तो 20,000 लोग तो होंगे ही होंगे भाई। एंड वहाँ देखो भाई क्या मस्त लग रहा है यार, ये है ना लाइटिंग में पूरा, तो आप पटाखे जलाए फायर ब्रिगेड आ गई, ओए वो देखो पटाखे फूट रहे और फायर ब्रिगेड आ गई है यहाँ। भाई साहब कुछ सीन तो नहीं हो गया क्या? 2-3 है, अरे 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 हट जो हट जो हट जो हट जो, रेस्क्यू रेस्क्यू ऑपरेशन है लग रहा है कोई, देखना भाई रास्ता बना दिया 2 मिनट में बना दिया सभी ने रास्ता, क्रेजी भाई, पता है ना ऊपर चढ़ा देंगे, सही बात है। क्या हो गया भाई यहाँ पे ऐसा न्यू ईयर में इतना ज्यादा, अरे 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 भीड़म भीड़ पीछे कहाँ आ रही है, कहाँ जा रहे हो भाई, अरे 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 बस भाई बस 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 पागल ही हो गए सब, कहाँ जा रहे हैं ये पीछे पीछे इतना, क्या सेंटा क्लॉज आया इनका गिफ्ट लेके भाई, क्या सीन हो गया, इतनी भीड़म भीड़ भाग क्यों रही है यहाँ पे, कुछ गलत सीन ना हुआ होपफुली बस। अब देखो भाई भीड़ अब पता चल रही होगी आपको कितनी ज्यादा है, वहां से लोग यहाँ जा रहे हैं ना, ये देखो पता नहीं इधर क्यों भाग रहे हैं सब लोग, या तो खत्म हो गया सब कुछ इसलिए जा रहे हैं अपने अपने घर, हम तो साइड में खड़े हो गए भाई। ओए ये देखो पटाखे फोड़ रहे हैं भाई, ये देखो ओए होए होए होए, क्या बात है क्या बात है भाई, पूरे ऐसे AK-47 चला दी लग रहा है, देखना
गजब भाई गजब यार, एक नंबर। ऐसा लग रहा है भाई हमारे साथ में पुलिस वाले खड़े हैं ना, तो वो देख रहे हैं किसने चलाया, जरा अभी पकड़ते हैं उन्हें जाके। बट सही है सीन, मतलब लोगों में ना पेशेंस है यहाँ पे एक्चुअल में। ऐसा नहीं कि बस भागना शुरू कर दिया एक दूसरे के ऊपर, कोई मर रहा है उड़ रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है यहाँ पे सीन, सब कुछ सॉर्टेड है। अब मुझे लग रहा है भाई टैक्सी भी नहीं मिलेगी यहाँ पे, तो इतनी ज़्यादा भीड़ में कहाँ टैक्सी आ पाएगी, तो पैदल जाना पड़ेगा थोड़ा दूर और फिर वहाँ पे टैक्सी बुक करने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट। भाई एक कोई ना छुटाए जा रहा है पटाखे, और बेचारे ये पुलिस वाले देखो ढूंढ रहे हैं कि कौन है, मुझे लग रहा है अलाउड नहीं होगा ना यहाँ पे। बट अब इतनी भीड़ में क्या ही पता चलेगा कौन फुटा रहा है, देखना वो है ये हाथ में पकड़ के, नहीं जो स्काई शॉर्ट्स होते पतले पतले से उस तरह के। सही है माहौल बना दिया पूरा इन्होंने तो भाई तगड़े वाला। तो कह रहे इंटरनेट नहीं है वरना वी चैट, मैंने कहा वी चैट तो क्या ही करेंगे हम इंडिया से चले जाएंगे जब। निहाओ निहाओ ओके, यू आर फ्रॉम शियान? Xi'an, Xi'an, yes. Okay, yes. We are from India. Okay. I know. I have a friend in Chan University. We play football. Oh, he's from India? The boy from India. Oh, which city? Chan University. No. He's from which city in India? New Delhi? City, I don't ask. But I know he from India. He play football very well. So you both play football together? Yes. Nice. Play football together. Okay. So यहाँ पे भी university में ना काफी Indian students हैं। अभी हम Chengdu जाएंगे ना। There are many Indian students in Chengdu also. Chengdu? Yeah, many Indian students. Yes. Okay. I went to Chengdu twice. Twice, okay. Twice. We are going tomorrow, day after tomorrow, to Chengdu. We are going. Tomorrow. Day after tomorrow. Okay. You come back. Come back? No, we'll go to Laos, okay. Then to Vietnam, Cambodia, Thailand. Okay. Bye. चलो जी, इंडिया और चाइना के बीच में ना भाई अराउंड 2.5 घंटे का फर्क है, तो अभी यहाँ पे तो 12 बज गए लेकिन इंडिया में 9:30 बजे होंगे, तो अभी तो है न्यू ईयर का टाइम वहाँ पे। जब तक हम होटल पहुँचेंगे तब फिर घर वालों को विश कर देंगे सबको फ़ोन करके। चलो निकलते हैं भाई, जाए कैसे वो नहीं समझ आ रहा मुझे तो, अभी टैक्सी वैक्सी मिलेगी नहीं, गाड़ी अपनी हम लाई नहीं है, तो थोड़ी सी टेंशन की बात है भाई। भाई साहब साइकिलों की हालत देखना, जितनी भी खड़ी हुई थी ना सबको एक के ऊपर एक पटक के रख दिया, इतनी भीड़ है बताओ हद से ज़्यादा। रोड पे तो भीड़ है ही है भाई, सामने वाले मॉल में भी देखो टुसम टुस भरा पड़ा सब कुछ, KFC वगैरह पिज्जा हट भी है। ओए होए भाई, अभी ट्राई कर रहे हैं ना मेट्रो अगर खुली होगी, वैसे खुली तो नहीं होगी मेरे हिसाब से, पर लोग फिर भी जा रहे हैं तो मैंने कहा देख लेते हैं, किसी भी 2-3 स्टेशन आगे उतर जाएंगे ना और वहां से फिर टैक्सी मिल जाएगी। अभी तो यहाँ तो नहीं मिलने वाली, इतनी ज्यादा भीड़ है, क्योंकि देखो भाई सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ सब बंद कर दी इन्होंने, मतलब कि बंद ही होगा मेट्रो स्टेशन। ये देखो लेट्स सी, बाकी ये तो वो है मेट्रो नहीं लग रहा है, ये तो अंडरपास लग रहा है रोड क्रॉस करने के लिए। भाई बहुत बुरे वाला फंस गए, सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, टैक्सी आ नहीं रही है, होटल है 8 किलोमीटर दूर जिसमें से 2 किलोमीटर तो हम पैदल चलेंगे, बट भाई कुछ नहीं मिल रहा, मेरे को लग रहा है पूरा का पूरा पैदल चलना पड़ेगा। रास्ते में देखो ये जगह आई है, यहाँ पटाखे फोड़ रहे हैं और ये भाई साहब पटाखे बेच रहे हैं यहाँ पे, तो लोग इनसे खरीद खरीद के यहीं पे ही फोड़ रहे हैं देखो इस तरह से। तो ये मेरे ख्याल से वो है सिटी वॉल, ये भी काफी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो आप पीछे देख रहे हो ना, यहाँ हम कल आएंगे शायद से, कंफर्म नहीं है बट आएंगे देखते हैं। तो यहीं पे ही ये काम चल रहा है, टैक्सी है ही नहीं भाई, ऑनलाइन भी नहीं आ रही और ऑफलाइन भी नहीं दिख रही टैक्सी, पर लोग पटाखे बहुत फूट आ रहे हैं यहाँ पे भर भर के, और रात के भाई 1:30 बज चुका है, लेकिन आप देख सकते हो पूरी भीड़ है इस टाइम पे भी, मतलब हर जगह पे लोग ही लोग, सुनसान नहीं है, सेफ है बिल्कुल। भाई साहब सबके सब लोग बस चलते जा रहे हैं, ये बैठ के ना टैक्सी ही बुक करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन टैक्सी भी बुक नहीं होके दे रही है बताओ। कुछ लोगों ने तो भाई साइकिलें रेंट पे ले ली और अपने अपने घर साइकिलों पे ही जा रहे हैं, अब रास्ता ही नहीं है कोई और क्या करे भाई। ये देखो भाई सबके सब लगे पड़े हैं टैक्सी बुक करने में, किसी की बुक नहीं हो रही, अगर एक टैक्सी भाई यहाँ गलती से रुक गई ना उस पे लोग ऐसे टूट के पड़ेंगे जैसे जंगली जानवर पड़ते हैं ना खाने के पीछे, भाई साहब वैसे ही सीन हो जाएगा पूरा। भाई बड़ी मुश्किल से टैक्सी बुक हुई है, अब जितने मर्जी पैसे ले ले भाई बस आ जाइए किसी तरह से, ये बार बार मेरे को फोन कर रहा है टैक्सी ड्राइवर और हमको समझ नहीं आ रहा क्या बोले, तो अब लेट्स सी भाई ये आता है या नहीं आता, वरना क्या करे भाई समझ ही नहीं आ रहा मेरे को तो सही में। भाई आने ही वाला है लग रहा है, ये देखो पास ही है भाई इसी रोड पर, प्लीज आ जाए वरना इन सब लोगों की तरह हमें भी पैदल जाना पड़ेगा, हालत खस्ता हो। ये तो नहीं है टैक्सी देखना, ये नहीं है भाई, अभी तो थोड़ा सा दूर है भाई हमारे, और ये ट्रैफिक भी इतना लगा हुआ है ना एक तो धीरे धीरे गाड़ी आ रही है वो देखो, और सब लोग बेचारे टैक्सी बुक करने में लगे हुए, किसी की बुक नहीं होके दे रही, हमारी पता नहीं भाई कैसे हो गई, क्योंकि मैं ट्राई तो बहुत देर से कर रहा था पर होके नहीं दे रही थी, फाइनली हो ही गई भाई,
वरना होटल पहुंचने में ना बैंड बज जाती, डेढ़ घंटा दिखा रहा है पैदल पैदल जाना। तो फाइनली भाई इसके अकॉर्डिंग तो आ ही गया बस। अरे दिख नहीं रहा, ये देखो भाई वही है क्या? यही है क्या? ना ये तो नहीं है भाई, 7317 है नंबर गाड़ी का। यही है यही है, ये रहा आ जाओ। शुक्र है भाई मिल गया। क्या सुकून मिल रहा है भाई गाड़ी देख के। खोल दो भैया खोल दो, जल्दी आ जाओ। हेलो निहा, पासवर्ड बताओ भाई। ओ भाई भगवान जी का शुक्र है, बैंड बज जाती 7 किलोमीटर में, वरना तो भाई ठंड भी हो रही थी बाहर, इतनी तो नहीं थी बट ठंड है। अब अंदर मस्त हीटर में बैठूंगा। ओके थैंक यू, बाय बाय। तो भाई 43 yuan लगभग 550 रुपए के आसपास, ठीक है। बट भाई पहुंच गए टाइम से, वही बहुत है। इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं भाई, कैसी लगी आपको वीडियो बताना। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।